थोड़ा बताएंगे तुमने किया क्या है? अरे हमारा जो काम है हमने किया, हम इस घर के मालिक हैं, पुरानी नमक खुआ रहे इस घर के। नमक खुआ रहे दही के चम्मच, वो तो आएंगे तो पता चलेगा तुझे। दही के चम्मच, तू ड्राइवर है? कैसा ड्राइवर है? ऐसा लगता है ट्रेन के अंदर तू खाना देता है, इस घर का ड्राइवर नहीं है। तू एक सवाल का जवाब दे मुझे, ये बता ड्राइवर है ना तू? कार के कितने व्हील होते हैं? कार के चार व्हील होते हैं, और कितने होते हैं? कैसा ड्राइवर है तू? अच्छा एक और बता मुझे, ये बता कि वो कौन सी गाड़ी है जिसका स्टेयरिंग बीच में होता है? किस टाइप का सवाल कर रहा है? बता ना, ड्राइवर है तू? कार का ड्राइवर है? नहीं पता, तू बता। पागल के बच्चे, ट्रैक्टर का। एक बात बता, जमाट मजाक में मारा है सीरियस मारा है? मैंने सीरियस मारा है। ठीक है, मजाक मेरे को पसंद भी नहीं है। कोई तरीका नहीं है ये जो तुम कर रहे हो, बहुत बुरा कर रहे हो। तुमने बाहर से मुझे तंग करना शुरू किया है। तुमने गलत हरकत की है यार। क्या करके मैं उल्टी सीधी हरकत, घास उठा के अमेरिकन काट दी तुमने? अमेरिकन घास मैंने काट दी तो मुझे क्या पता? अबे दोनों घास हरे कलर की होती है, अमेरिका की क्या लाल कलर की आ रही है? अबे बनमानस के बच्चे, मछली की औलाद, वो जो घास है ना अमेरिकन घास, वो बकरा पहचानता है। बेगम साहब जो बकरा लेकर आई है वो अमेरिकन घास पहचानता है कि पाकिस्तानी घास कौन सी और अमेरिकन घास कौन सी है। अब मुझे नहीं पता, इस पे कोई चिट नहीं लगी हुई थी घास पे। मेरा काम है काटना, मैंने घास काट दी, अब जो होगा देखा जाएगा। हाँ तो देखा जाएगा, तुझे पता चलेगा। पता चलेगा, तुझे भी पता चलेगा किस पे पता चलेगा। किचन में से प्यास कहाँ गई है? अरे तुम तो यार कारखाना हमले कर रहे हो, और इतनी सी बात है क्या हो रहा था? क्यों शोर कर रहे हो? आस्ते आस्ते, तुझे बोला ना मैंने, क्या हुआ? क्या हुआ क्या? उल्टी सीधी हरकत कर दी, उठा के अमेरिकन घास कर दी, टेंशन हमें काट दी। मुझे क्या पता, जाहिल के बच्चे नाक के बाल बड़े वो नहीं काटना, घास काट दी। अभी तुझे पता है, तुझे पता है शेख साहब बेगम साहब आएंगे, इतना गुस्सा करेंगे। मेरे को क्या पता था मैंने काट दी वो घास? तो छाई के बच्चे वो अमेरिकन घास थी और क्या। इतना बेवकूफ आदमी है ना ये, इतना बेवकूफ है। ये परसों चला गया गफूर भाई के घर पे, वहाँ जाके कह रहे गफूर भाई घर पे है, उन्होंने कहा जी वो तो दो साल पहले मर गए। फिर अच्छा चलो फिर उनका मोबाइल नंबर दे दो। देने वाले काम करते उल्टी सीधी। वहाँ पे देखो भैंस का दूध निकाल के दोबारा भैंस को पिला रहा। क्यों? मैंने बोला भैंस का दूध निकाल के दोबारा भैंस को क्यों पिला रहा है? बोला आज इसने पतला दूध दिया था, मैंने सोचा चक्कर और लगवा दूं। और क्या है, चाइल आदमी ऐसे आदमी होते हैं ना, ऐसे ऐसे आदमी बाथरूम में बैठे हुए होते हैं और सोच रहे होते हैं यार इस वक्त उसामा कहाँ होगा। भाई तू माली है, माली बन भाई, तेरा काम माली का, माली बन। आधी रात को फोन आ गया किसी का, किसी ने फोन करके पूछ लिया आधी रात को, भाई यहाँ पे सायमा महफूज है तो क्या बोल रहा है? अबे आधी रात को यहाँ पे सायमा होती महफूज होती? तुम इस तरह की हरकतें की है ना तूने, तू देखना क्या होगा तुम्हारे साथ। मैंने घास काटी है, मैंने कौन सा कोई लौकी काट दी, क्या कद्दू काट दिया, क्या कर दिया? तो अपने कान के बाल क्यों निकालता? और क्या दिमाग खराब कर दिया खड़ा करो। अभी देखना तुम लोग का हाल क्या करते, सबर करना। अच्छा एक बात बताओ, तुम बावर्ची? अल्हम्दुलिल्लाह बावर्ची। बावर्ची ये बताओ सांप का खाना कैसे बनाते? साफ का तो मैं बड़े दिल से बनाता हूँ। कैसे? सखत आदमी है ना, बेगम साहब और बीबी जी का खाना मैं बड़े अच्छे तरीके से बनाता हूँ। किचन में जाता हूँ, पतीला रखता हूँ, सारी चीजें डाली, स्टाइल जुएं गिर जाती है, उठा के वापस बालों में। मेरी औलाद है ना, उनकी रगों में मेरा ही खून है। जुएं रखी, फिर स्टाइल मारा, सारी चीजें दी, यूं हिलाया। बिरयानी भी तैयार, जलेबियां भी तैयार। नहीं नहीं शौक वॉक नहीं। अच्छा ये बताओ हमारा खाना कैसे बनाते हो? तुम नौकरों का खाना तो मैं दिल से बनाता हूँ, मैं भी नौकर हूँ ना, तुम्हारे मतलब का खाना बनाता हूँ। कैसे? मैं जाता हूँ बोर्ची खाने में, जाके लेता हूँ बड़ा वाला तसला, बीच में रखता हूँ, उसमें आटा डालता हूँ, फिर यूं करता हूँ। मेरा कसूर है पानी नहीं आ रहा घर में, फिर गोंदता हूँ, फिर करता हूँ। ये क्या है? तुम लोग कोई पराठे खाने होते? खुद ही कहते हो असली घी का मजा आना चाहिए। फिर आराम से तुम्हारा गोंदा आटा, फिर यूं यूं। ये क्या? नमक भी तो डालना होता है।
मेरी रोटी बनाई, रोटी फूल गई, उस पर बर्नौल लगाया, फिर लगाई तुम्हारा खाना तैयार। अच्छा चलो ये तो हमारा, और फिर तुम अपना कैसे पकाते हो? बस तुम लोगों का खाना बनाता हूँ ना, मेरा पेट भर जाता है, फिर मेरे रमजान शरीफ शुरू। अच्छा हमें कचरा खिला रहा हूँ तो तेरा मुंह नहीं देख रहा, कीड़ा खाने वाला परिंदे होता है इसे। ऐसे ही मुंह है इसका, ऐसा लगता है बस में से कौन ही बाहर निकली थी। जाहिल आदमी, अब तुम्हें पता चलेगा ना तुमने अमेरिकन घास काटी है। अरे मेरे दोनों हरे कलर की थी यार, मुझे क्या पता। अभी देखो एक साहब अपनी गाय के साथ खड़े हैं, क्या बोला? अबे इस गधे के साथ कहाँ खड़ा हुआ है? उन्होंने बोला भाई जान ये गाय है गधा नहीं है। बोला मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा। चल छोड़ दफा कर इसको खड़े। मैकडोनल्ड पे जाके 10 रुपए के पकोड़े मांगने वाली कौम। हमें क्या पता, ये तो हमें बाद में पता चला कि ग्रोस थे, हम तो समझे मुर्गी का पकोड़ा। भाई मैं तो कह रहा हूँ मैं इस मुल्क में आगे फंस गया। क्या हो गया? भाई अमेरिका में सेट था, अंग्रेजों में खूबसूरत आदमी नजर आ रहा था। तेरी वजह से अंग्रेजों को नजर नहीं लगती होगी। माशाल्लाह भाई यहाँ आगे फंस गया मैं। भाई वेगन वाले से झगड़ा हो गया। क्या? वेगन वाले से मैंने पूछा भाईजान सीट है, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, बोला जाहिल के बच्चे हमने क्या दरिया बिछाएंगे। मामू के साथ यही होता है। अच्छा। मामू ने पकड़ लिया ना रिक्शा वाले को, रोका रिक्शा वाले को, बोला रिक्शा खाली है, वो कह रहा मैं नजर नहीं आ रहा बीच में। अरे तुम नजर की बात कर रहे हो, अभी मैंने एक आदमी से पूछा। क्या? मैंने बोला भाईजान सिविल अस्पताल का है? बोला पता नहीं यार, ट्रक के नीचे आ रहे, खुद ही पहुंचा देंगे। ऐसे ही होता है मामू के साथ। परसों मामू ने अमरूद लिया, अमरूद काटा है, उसमें से कीड़ा निकल के जाने लगा। उसको कह रहे तू कहां जा रहा है, तेरे पैसे नहीं दिए। अरे हम तो होटल पे जलील हुए, होटल पे होटल वाले से मैंने चाय मांगी, उसके अंदर मक्खी गिर गई। मैंने बोला भाईजान इसमें मक्खी पड़ी हुई है, तो वो बोल रहा है 5 रुपए में क्या हाथी डाल के दूं। ऐसे ही होता है आपके साथ, क्या करें। और बात सुनो भाई, जिस तरह से तेरा मुंह है ना, तुझे तो 1 लाखन मर जाना चाहिए। बाजार मंडी गया था बकरे खरीदने, क्या हो? भाई मैं कह रहा हूँ तुम्हारे मुल्क के बकरे बड़े ठूस है। अभी आपने हमारे मुल्क के बकरे नहीं देखे मामू। क्या हुआ? आपने कभी पंजाब का बकरा देखा? क्या है वो? दरवाजे पे बंधा हो, लगता है शेर का बच्चा है। कैरेक्टर ही गलत है, बकरा है शेर का बच्चा है। अरे ऐसे कहते हैं। अच्छा हाँ, बकरा होता है तो तगड़ा, दरवाजे पे बंधा हो कोई भी आज शुरू हो जाता है बोलो बोलो। और आपने अभी मेमन बकरे नहीं देखे? मेमन बकरे बड़े शरीफ बकरे। अच्छा? ओए दरवाजे पे बैठा, पता चला कोई बकरा बैठा हुआ। हाजी साहब विनो विनो। अरे जाओ, मेरे हिसाब से तो सबसे कंजूस कौम ही मेमन है। कैसे? वो तो अपने बच्चे को सलवार का नाला लेके नहीं देते। बच्चा आकर बोले ना, ए पापा पापा मेरे को नाला चाहिए। बेटा नाला नहीं है, चिगम को लंबी करके डाल लो। ये बात तो है, मेरे बराबर भी मेमन रहते हैं। अच्छा। बिजली का बिल लेके आ गए, मैंने कहा मेरे को क्यों दे रहे हो? फिर तेरे यहाँ रोशनी नहीं आती। भाई मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे फिल्मों की वजह से जलील हुआ हूँ। क्यों? अभी अजब गुल की एक फिल्म आई, क्यों तुमसे इतना प्यार है, मंडी में एक लड़की जा रही है, मैंने उससे बोला क्यों तुमसे इतना प्यार है, उसने नकाब उठा के पता क्या बोला? हाय हाँ, राजा तेरा इंतजार है। मामू के साथ ऐसा ही होता है। परसों चले गए वीडियो शॉप पे, वहां जाके वीडियो फिल्म मांग रहे, घर कब आओगे? वो कह रहा तू चल मैं आ रहा हूँ। अभी याद आया मुझे भाई, क्या ये घास किसने काटी है? मैंने काटी है। मैंने घास तूने काटी है, रनवे की झाड़ियां साफ नहीं करवा रहा। अबे जानता है वो अमेरिकन घास थी, और अमेरिका के बकरे लोन पे चलते हैं, लोन पे। अमेरिका के बकरे लोन पे चलते होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान है, पूरे का पूरा मुल्क लोन पे चलता है। घास तूने काटी है ना? मुझे पता है, अभी पता चलेगा कि घास किसने काटी। जिन्होंने गब्बर की इजाजत के बगैर गब्बर की सर जमीन से घास काटी रे। सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी रे। अरे ओ सांबा, अरे पुलिस गब्बर की गिरफ्तारी पे कितना इनाम रखे रे? अब क्या रोज रोज बताऊं?
पचास पचास कोस दूर। जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है, सो जा, तेरे बाप को सुबह ऑफिस जाना है रे। अरे काम पर से मस्करी करता है रे। तो जो कुरो थीनो मुआ जड़िया मुझे एडा छोकरो थीनो। अरे ओ जड़िया जी, कितने आदमी थे रे? अपने भाई से पूछ ला। अरे जी, कितने आदमी थे? पता नहीं, मैं तो रात में गलती हो गया था। कोई बताता क्यों नहीं है? सबको पूछे कौन से कितने थे रे? दो आदमी थे। दो नहीं है रे। वो दो और तुम तीन, फिर भी वो चले गए। अरे तुम तीनों के तीनों हरामजादे। तुम तीनों हरामजादे, हम रईस जादे। अरे कौन सा रे भाई? खुदा की कसम यहाँ से गई, यहाँ से क्यों से ऐसा बचाऊ मैं? कौन सा रे, बताता क्यों नहीं कुत्ते के बच्चे? ये मालगन, ये दोनों थे ना, ये दोनों के दोनों। तेरी जुर्रत कैसे हुई रे? मुझे पता नहीं था, मैं जोड़ दूंगा तुम्हारा घास को। अबे जोड़ देगा वो क्या, प्लास्टिक की घास थी? नहीं नहीं, मैं एलपी का छिड़काव करूंगा, ऊपर से घास फेंक दूंगा। एलपी का छिड़काव करेंगे। दबो जरे, दबो हो जरे। अपने से वजनी छन्ना उठाया हुआ है। मैं भी यहाँ आके फंस गई हूँ, इन बातों को छोड़ा। प्रोफेसर का है? प्रोफेसर भाई की, अतुला भाई की क्या बात कर रही हो? मंडी में मेरा हाथ पकड़ के जा रहे थे, पता नहीं कहाँ हाथ छुड़ा के इधर उधर हो गए। एक तो ये प्रोफेसर की भी समझ में नहीं आती, उसको मालूम भी है मुझे बकरा चाहिए। मैं ऐसी यूनिक कुर्बानी करना चाह रही हूँ, मेरे जैसी कुर्बानी और किसी ने ना की हो। मेरे जितना महंगा बकरा और कोई ना खरीद सके। मेरा नाम हो, मेरी शोहरत हो, और इनको मेरी टेंशन की कोई फिक्र ही नहीं। मेरा बकरा तलाश कर रहे हैं, देखते आएंगे तो फिर पता चलेगा मिला या नहीं मिला। मुगम्बो खुश हुआ। ये मुगम्बो, ये तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो है, तू तो पूरा 80-90-100 है। खबरदार खबरदार, बशकल खबरदार। काय का बशकल? ये देखो तुम्हारे मुलाजिम ने क्या किया है। तुमसे करोड़ दर्जे खूबसूरत है ये। कहाँ से खूबसूरत है? मेरी नजर से खूबसूरत है, तू मेरी नजर में बशकल है। पूदन? कौन पूदन? जानने वाला वाला। तुम लोग जाओ अपने अपनी ड्यूटी से। अच्छा सर, जाओ काम करो जाकर के। तुम कहाँ रह गए थे? तुम कहाँ रह गई थी? What do you mean? मैं कहाँ रह गई? What do you mean? कि मैं कहाँ रह गया था? मैं बकरा मंडी में था और तुम लोग मुझे वहां से छोड़कर आ गए। Why? हम लोग छोड़ के आए? Yes. तुम खुद हाथ छुड़ा के भागे हो? हाथ छुड़ा के भागे? तुम लोग मुझे स्कूल छोड़ ले गए थे क्या? अबे तू बीच में क्यों बोलता लोहे के चूहे? हर बात के तरफ ये नए नए नाम है मेरे। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम कितनी बेइज्जतियां करवाओगे? तुम लोग मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? मैं वहाँ कितना बेइज्जत हूँ इसकी वजह से। मेरी वजह से क्या बेइज्जती हो गई आपकी? तेरी वजह से। क्या? बकरा मंडी में मैं जा रहा हूँ, लोग मुझे रोक रहे हैं कि भाईजन दुनिया बकरे लेके जा रही है, आप कुत्ता लेके जा रहे हैं। हमारी तो 2% की इज्जत हो गई ना वहाँ। हम तो तेरी वजह से गए ना, तो और क्या बेइज्जती करवा दी? और क्या करवाए बताओ? वहाँ पे देखो, दुनिया बकरे देख रही है, उनके दांत देख रही है, जान देख रही है उसकी, ये उनकी दुमें देख रही है। पर तेरा क्या दुम से ताल्लुक है? तू दुम स्पेशलिस्ट है, तू कौन है?
भाई मेरे को कौन है तू सूखी भी पीक। बकरा तो उसने देखना ही था ना, अब कोर्स तो नया तरीका दे रहा था ना, लोग दाम देख रहे, हमने बोला घुमसे देखे नया तरीका होगा मार्केट में। नए तरीके तू क्या बकरों पे किताब लिख रहा, क्या हो क्या है प्रोफेसर तुमको भाई, अगर कोई फॉल्ट निकल आता तो फिर कुर्बानी तो नहीं होती ना। फॉल्ट कुर्बानी तो होने की, कुर्बानी कर रहे तुम लोग, तमाशा लगा रखा है। तमाशा लगा रखा है, अरे क्या तुम्हें तो बीवी से बात करने की तमीज ही नहीं है, तू अपनी ला फिर बताऊंगा तमीज क्या होती है। ला ला, हम मुसलमान है, हमें दूसरे की बीवी और अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। मैं तरीका बता रहा हूँ, बीवी से जब भी बात करो ना, पहले जाकर पूछो डील या नो डील। मैंने तो कहा था नो डील, तब मन डील कराइए। उसके बाद आपको तीन बॉक्स खोलने चाहिए ना। क्या खाक खोलते पहले ही बॉक्स में बांग्लादेश की करेंसी आ गई। ये तो आपकी किस्मत, बड़ी रकम गेम से बाहर हो गई। बड़ी रकम है क्या, मसला क्या तुम्हारे साथ, तो मेरे भाई के पीछे क्यों पड़े रहते हो। तुम्हारा भाई है या? मेरा भाई है बिल्कुल। अरे रुखसती वाले दिन ये गाड़ी तक छोड़ने आया था, मेरी बात ही नहीं जा रही थी भाई। मैं तो वहीं तक आ गया था, मैंने कहा रख ले मैं। फिर तुम्हारे अब्बा आ गए, मैं तरस खा लिया, सारी जिंदगी तुम्हारे अब्बा से स्कूल के इंटरवल में पापड़ लेके खरीद के खाता रहा हूं। मुझे याद आ गया, मैं कहा छोड़ो चाचा पापड़ वाले, इस तरह मैंने वो एडजस्टमेंट की है, ये उस दिन का घर आया, आज तक नहीं गया ये तुम्हारी वजह से तो हर जगह मेरी बेइज्जती हुई है। क्या हुआ भाई मेरी बहन, कल मस्जिद में दलील करवाया इन्होंने। मस्जिद में तो होना ही था, तू नॉन मुस्लिम क्यों गया वहां। मैं अपनी बात नहीं बता, तुम्हारी बात बता रहा हूँ। मस्जिद के अंदर गए, बीच में जाकर सोच रहे हैं यार नमाज पढ़ू या नहीं पढ़ू। और क्या, तुमसे हाथ मिला लिया था, मैंने कहा पता नहीं वजू रहा के नहीं रहा। बकरा मंडी में दलील करवाया इन्होंने। क्या भाई, बकरा मंडी में बकरे वाले से पूछे भाई बकरा कितने का, वो बोला 6,000 का, तो ये बोल रहे 3,000 ले ले, आधा काट के दे दे। आधा काट के, कभी वो बकरा भी था आधा काट के। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम आधे बकरे की कुर्बानी कर देते। बढ़िया आधा बकरे की, अरे छोड़ा तुम्हारी बात, बनाया संडील की दीपा देखो जरा इसके। खुदा की कसम इन्होंने हमें खामखा परेशान कर दिया। अच्छा खासा मैं न्यूयॉर्क में रह रही थी, न्यू कराची में लाके फंसवा दिया। न्यू कराची को इंसानों के रहने की जगह नहीं है क्या, बड़ा बड़ा इंसान न्यू कराची से पैदा हुआ है। न्यू कराची और ये कराची शहर में रहूंगा, ये मेरा मुल्क मेरा शहर है, अपने आबा अजदाद की कब्र है यहाँ मैं रहूंगा यहाँ। कब्रिस्तान का मामला है तो कब्रिस्तान तो न्यूयॉर्क में भी है, तुम किसी की भी कब्र को अपने आबा अजदाद की कब्र समझ लो। तू यहाँ पे क्यों अपना अब्बा अब्बा करती है, वहां किसी को अब्बा कह लिया कर। मैं किसी को भी अपना अब्बा कह दूं, मेरे अब्बा अजदाद की कब्र तो वही पे है ना न्यूयॉर्क में। तो जा झूठी कम्बा, चोड़िया बाजार में तेरा बाप मरा, नेवा शाह में दफन है वो, और कब्र भी टेढ़ी है यूं। मैंने पूछा गोरखन से, भाई इनकी कब्र यूं क्यों हो गई, कह लगी सारा दिन धूप से बचते रहते ही। खानदान की बातें खोलने बैठ गया ना, खुदा की कसम बता रहा हूँ थक खोल दूंगा बता रहा हूँ। अरे क्या खोलोगे, तेरे वालिद के बताओ फिर अभी। क्या तेरा अब्बा मरे ना, हाँ। मैंने क्या किया, मोबाइल ऑन करके कब्र में रख दिया, ऑन करके, और जब बंद करके मैं आया, मैंने कहा बैल मार के देखू, अंदर से आवाज आ रही, भाई हम मुसलमान ही नहीं है, हमें क्यों दफनाया। तेरा अब्बा कब्र में गलत बयान दे रहे, सोचो यार। लफासिया देखो मेरी बाजी ने मेरे कहने पर तुमसे शादी कर ली, वरना 100 आदमी दिखाए थे, डूब के मर जा, बहन को आदमी दिखा रहा है। अबे बहनों को रिश्ते दिखाए जाते हैं, टीवी दिखाया जाता है, फर्नीचर दिखाया जाता है, तू पता नहीं क्या दिखा रहे हैं। वही रिश्ते के लिए दिखाए थे, मुझे यकीन था कि 99 पे आकर तुम फंसोगे, 99 पे आके तुम फंसोगे, आज अंधी लग रही है फंसोगे। अरे जाओ फंसो, मैं कही हूँ, बताओ भाई क्या अहमियत थी मेरी मोहल्ले में। अब भी कहीं से हमारी बहन निकल जाए ना, लोग देखकर बोलते हैं जस्सी जैसी कोई नहीं, और आपको देखकर आज भी लोग बोलते हैं कुड़कुड़िया हाउस।
अरे छोड़ो भाई, वो बताओ मोहल्ले में लोग मुझे क्या क्या पुकारते थे। रानी रानी क्या क्या पुकारते थे, लाल किले की रानी। हाँ, तो इसीलिए तो अल्लाह ने तेरी टक्कर में पैदा किया, लालू खेत कर रहा गया। और बन लाल किले की रानी, तुझे मैं बनाऊंगा पीले किले की रानी। देखियो, हर बात का जवाब मौजूद है, मेरी जिंदगी तबाह करती है। हर बात का जवाब है फेल हो जाऊं, अपने पैसे कम करा लूं। खैर, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे बकरा चाहिए, मेरी पसंद का, महंगा तरीन। महंगा तरीन? यस। ढूंढ रहे हैं, बेटी हमारी बिचारी इंटरनेट में लगी हुई है, मेरे मैनेजर ढूंढ रहे, दफ्तर वाले तलाश कर, मिल जाएगा तो ले आएंगे। तुम्हारी तलाश में सच्चाई है ही नहीं प्रोफेसर, अगर होता ना तब तक आ चुके होते। तू मरे से पिटने वाली है कसम। अरे जाओ, अब मेरे जहन मन रहा बता रहा हूँ, और उसी तरह मारूंगा जो मैं पहले मेरा स्टाइल था, वो डालडा के डब्बे में तेरा सर डाल के ना पसलियों में पांच तेरे मारूंगा। बता रहा तेरे को किस तरह मारूंगा मैं। एक पहिया दिल पर कंबखत मारा, उसको मौका चाहिए अंदर जाने के लिए। मौका चाहिए अंदर जाने के लिए? तुमने नौकरों को भी खराब करके रखा हुआ है। अरे सारे नौकर जो है कंबक डांस पे और गाने पे लगे हुए, तो गाना गाए बगैर बुलाओ तो आता कोई नहीं। कोई नहीं आएगा, मैंने ऑर्डर देके रखा है। अमेरिका में हर वक्त नाच गाना यहाँ पे सीधे सीधे आ जाते हैं। मैंने कहा उनको के जब भी आओ गाने पे आओ। दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा खून पिघल जाओगे। वाह, आ गया दिलबर, आ गया। वेरी गुड दिलबर जी। खाने में क्या तैयार किया मेरे लिए? आपके लिए मामू मैंने बेहतरीन किस्म की बिरयानी बनाई है। बोलो। बड़ा पतीला है ना, उसमें तीन दाने मटर के डाले। तीन दाने मटर के लुटवा दे तू हमें, खेतों के खेत उड़ जाएंगे। देहकान पसीनों में नहा के अनाज पैदा करते हैं, तूने तीन दाने दे दिए, इसे हैजा करवाएगा। उस दिन इसने एक मटर खाया था, इतना बड़ा हो गया था ये। और मैंने दो गाजर के पीस डाले हैं। दो पीस? हाँ, गाजरे भी लुटा रहा है। और मैंने चिकन लिया, चिकन। वेरी गुड। पतीले पर से घुमा के साइड में रख दी। और सरकार चावल डाल ले। चावल कर लो, जब तुमने मटर ही तीन डाल दिए। तीन तो चावल कर लो, ढाई दाने कर लो चावल। नहीं नहीं, इस तरह तो 600 आदमी का खाना बन जाएगा। सही है सही है सही है। इसी बिरयानी में आपका हकीका भी निपटा दी। और मैंने नाश्ता भी बनाया, ये बात अच्छी की, बेहतरीन किस्म का। क्या? मैंने लिया एक डबल रोटी का पीस। गुड। उसको आधा रखा, आधे पे मैंने आधा अंगूर रखा है। आधा? मैंने अच्छा बना रखा था अपने लिए कि पिकनिक पे जाएंगे, आधा अंगूर लेके हम। और अंगूर के साथ मैंने एक कोने पे पनीर लिख दिया। लिख दिया है? जाहिल को लिख के दे रहे, कैसे खाएगा वो? मास्टर को बुलवा के खा लूंगा फिर। पनीर लिख दिया, और ये नाश्ता आपको 6 हफ्ते तक करना है। देखो भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, दिमाग खराब हो गया सदा, मुंह चढ़ के ना बना कर। अब भाई तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया, खामखा अमेरिकन फूड के चक्कर में पड़े, जाओ पाकिस्तानी खाना खाओ सीधे सीधा, जाओ साहब के लिए निहारी लाओ। हड्डा, इतना बड़ा मुंह खाना खो रहा था भाई तुम, ये कोई तंबाक निहारी साहब है? सारी जिंदगी लंगर लूट के खाया तुमने, मैंने इसे खुद देखा ट्रकों के पीछे। भाई मेरे भाई, भाई मेरी बहन का भी दे दो भाई, अंदर जाते मेरे वाली साहब आप आ जाए पुराने कदम। यार ये हलीम मेरी आंख में फेंक दी यार, क्या कर रहा है यार भाई, बताया जा रहा है। बस ठीक है, मैं मामू आपको एक रोटी दे दूंगा, आप हलीम वाले के पास जाना, बोलना इसमें चमचा मार दे। तो इन्होंने सब में चलाए हुए नौकरों को, इनकी से मेरी बहन से जरा तभी से बात करना। देख पे बात सुन रहे हो ना, तेरा खर्चा बंद कर दूंगा मैं। चलो तुम दोनों का आपस का मामला जैसे भी फट्टा करो। ओके भाई, मेरे मना भी क्या था कि मेरी फोटो जाने नहीं लगवाना।
तुम्हारी भी लगी हुई है इधर बराबर में। तुम मेरे भाई के पीछे क्यों पड़े रहते हो? वो अमेरिका से आया, उसकी तादीन किया करो। अमेरिका गया ही कब था वो जलील? क्यों नहीं गया था? आ गया अमेरिका वो, उसको तो वीजा नहीं दे रहे थे अमेरिका वाले, फॉर्म नहीं दे रहे थे एम्बेसी वाले। मैंने उसे शिप के जरिए भेजा था बिस्तर में लपेट के, वहां भी जाके कस्टम में खुल गया वो, और सारे वालों शोर मचा दिया कस्टम वालों ने, पाकिस्तानी चर्च पकड़ी गई, पाकिस्तानी चर्च पकड़ी गई। कोई तुम्हारे भाई की वजह से हमारी बेइज्जती हुई। कोई नहीं बेइज्जती होती, न्यूयॉर्क में उसको लड़कियां कैसे देख रही थी? हम कब ये सिगरेट हमारे चर्च जाएगा? जरा तमीज से बात किया करो, मैं बता रही हूँ, समझ में आई ना? इससे तुम बात किया करो, तुम तमीज से बात किया करो। तेरी वो सारी बातें बता दूंगा कुरान की कसम, जो मुझे पता होगा। कौन क्यों उदास बैठे हो? आओ मैं तुम्हें मजे की दुनिया शेयर कराऊं। जो वहाँ पे अब बदतमीज, अब बदतमीज ही नहीं करना बता रहा हूँ, बदतमीज ही नहीं करना बता। अरे अकेले बच्चे को क्या दबा रही है? मुझसे बात कर, माँ हूँ इसकी। तुम माँ हो तो इतला देने की क्या जरूरत है? माँ हो तो होगी। बताई अम्मी बताई, तू ईंट मार दे फिर मानना है मेरी। वो मैं बात कर रही हूँ ना, आप क्यों उठ के आई अपने कमरे के अंदर से? जब हम दोनों में अभी भी बात करें तो आपको कैसे मौत आने की? अरे मैं अपने बच्चे से कोई बात भी नहीं कर सकती क्या? अबे ये बच्चा है, मैं तेरा बाप हूँ। निकाहनामा देख ले, निकाहनामा देख ले, मेरे नाम के साथ लिखा हुआ प्रोफेसर कंसिन। प्रोफेसर कंसिन को तो देखो, अगर तुम बच्चे हो ना तो मैं तो अभी पैदा ही नहीं हुई। ये तेरा तीसरा जन्म है। नेवले के मुंह वाली, ये तेरा तीसरा जन्म। मैं नेवले के मुंह वाली? मैं अड्डा? तू क्या सूजल की औलाद है? खुदा ने तुम्हारे में यही अजाब नाजिल किया कि तुम्हें, तुम्हारा चैनल बंद हो गया। वो अब देख लो ना, वही देखो पुराने इश्तेहार, लाइफ बॉय से नहाओ और रोजा कर। अब देखना जाकर के ऊपर चढ़ के एंटीनो पे लटक के देखा कर। ये देखो कैसी खड़ी खड़ी लड़वा के ना, कैसी खड़ी हुई बिल बतौड़ी। अरे मैं तो तेरे मुंह ही नहीं लगना चाहती। मुझे भी तो शौक नहीं तेरे मुंह लगने का। जबान संभाल के बात कर, वरना जबान निकाल के हथेली पर रख दूंगी। तो क्या फायदा, वो फिर खा जाएगी। फेंक दो, दूर फेंक दो। तुम अपनी माँ की तरफदारी कर रहे हो? माँ माँ होती है, माँ की तरफदारी करो। चाहे माधुरी चिन्ह हो, रवीना टंडन हो, या करीना कपूर हो, माँ माँ होती है, समझ गए ना? मैं औरतों वर्तों को कुछ नहीं समझता। कल भाले का चल, आराम से बात करो। माँ होगी वो तुम्हारी, मेरी नहीं। आज तक इसने मुझे बेटी समझा? वो क्यों बेटी समझे? वो तुम्हें बेटी समझे तो तू मेरी बहन हो गई। बस तू हमारे घर में टेक्निकल प्रॉब्लम पैदा करना चाहती है। जाओ, खुश हो गई अब अंदर जाओ, मुसल्ला बिछा और मेरे मरने की बद्दुआ करो। जाओ, अरे और लोग कर रहे हैं, सारी दुनिया कर रही है। क्यों, मैंने क्या बिगाड़ दिया सारी दुनिया का? अरे तू तो मुझे पहले दिन से ही नहीं पसंद है, पहले दिन से ही नहीं तू मुझे अच्छी लगती। कमबख्त मारी तो क्यों ब्याह के ले आई? किन्ने कहा था तुमको? जादू, जादू, तेरे माँ बाप ने सिपली इलम करवाया था मेरे ऊपर, जब जाके तेरी शादी की हाँ भरी थी। तो बस तखवार, शादी वाली रात मैंने इसका घूंघट उठाया, अल्लाह की कसम अगर मुझे आयतल कुर्सी याद नहीं होती मैं वही मर जाता। ईमानदारी की बात, बड़ी भयानक औरत थी तू। कदम, अरे चलो चलो, हमारे आधे घंटे यही नहीं पता चले बुद्धि कौन सी और मुंह कौन था तेरा। ये इतनी बदशकल, तेरा सत्यानाश है। मैंने इसका घूंघट उठाया, मैंने कहा अम्मा तुम जब बाहर आ गए, अम्मा हमारी रकम डूब गई। डूबी जाती तो अच्छे थे, वो दिन भूल गए। और तुमने हमारे अम्मा अब्बा के पाँव जोड़े, हाथ पाँव जोड़े थे। दोनों माँ बेटे देखो, मिलके तो तुम लोग मेरे साथ करो ना। मिलके तो तुम देखिए, अगर मेरी अम्मा की तरफ तुमने इस तरह नहीं किया, इतने फायर मारूंगा तुम। अगर तुम इस वक्त अमरीका में होते ना, मैं तुम्हें सू करवा देती। अमेरिका तेरा ख्वाब है, तेरा ख्वाब है पपीते, ख्वाब है तेरा। अरे इसका
शादी से पहले कहा था दो ट्रक भर के जायज मिलेगा और दो ट्रक आए। मैंने कहा दो ट्रक आए, बोला आगे बाहर जाके देखा कम्बा बजरी भरी ट्रक में। वो तो तुम लोगों ने खुद कहा था हमारा मकान बन रहा है, हमें मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। मटेरियल प्रोवाइड? यस। इंग्लिश वर्ड टॉकिंग इंग्लिश? यस आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश। ओह यू बशकल। तेरी खाला की बेटिया ड्रिंक करोगी मैं फिरती रहती है वो। देखो ये तो तुम कर रहे हो ना, मैं तुम्हें समझ लूंगी। समझ लेगी तू हमारा खानदान देखा था पंच तेरे में नथने फाड़ूंगा किसी तरह। यूं भूले हुए ना जम्मू जट तैयार है। अंदर जाओ, खुश हो गया दिल, ठंडक पड़ गई, सुकून आ गया। अरे मेरा बस चले तो तेरा मुंह मजीद बिगाड़ दूं। मजीद बिगाड़ दे। अम्मा आप जाइए, आप इनके मुंह मत लगा। इसके लच्छन किसने मोबाइल में गाने भरवाए में। तुम्हें मैंने दिन कहा था टंकी में पानी भरवा लो, वो नहीं भरवा तुमने, मोबाइल में गाने भरवा लिए। सियाणी बहुत सियाणी भाई तू, तो तमीज नहीं है। तुम न्यूयॉर्क में तुम्हें चार साल रखा मैंने, लेकिन तुम वो औकात जो है ना तुम्हारी रही नहीं। ओ भाई चार साल रखा तो क्या हुआ, मैं तो जिस वक्त अमरीका पहुंची हूँ तो मुझे पता चला मेरा जन्म तो आज हुआ है। देखो अम्मा गाने मोबाइल में भरवाने की कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भाई जगह भी देखनी चाहिए ना। मस्जिदों में तो बंद कर दो, खुदा के बंदो नमाज के दौरान में बच जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की फिटकार है। मस्जिदों में तो ना बजा। अभी शाहबुद्दीन भाई के उसमें गए जनाजे में, उनको रख रहे थे कबर में, पटका डाल के अंदर छोड़ रहे थे, कबर में छोड़ रहे थे उनको। तो अचानक वो जो छोड़ रहे थे उसकी जेब में मोबाइल बज गया। आए हो वीर, बताओ कितना फिट बैठा उनके गाने। तो और क्या भरवाए मोबाइल में, आजकल फैशन है, ट्रेंड है, गाने भरवाते। हमने भी गाने भरवा ली, और क्या करें। ये तुम्हारी अम्मा की कब्बे जैसी आवाज बोले मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। तो है ना उनका बच्चा, मुझे तो जा रही है कौवे जैसी आवाज, अपनी आवाज देखी फटावा बांस। अरे चल अंदर जाओ, अंदर जाओ। मेरे बच्चे को टेंशन दी तो। ये बच्चा है, ये टेढ़ा मेढ़ा बच्चा मेरे मत्थे मार दिया। टेढ़ा मेढ़ा हुसन की मलका तो देखो, ईमान से पता तू कैसा तेरा मुंह है। आटा लेके ना उसमें कुटना रख दो। और तू मेकअप भी करती है ना, इमारते है ना खूबसूरत बनने के लिए करती है। यस हर एक करता है। इतना बड़ा बड़ा हो गए हैं। अब तो जो भी कहो, तुम्हारे बच्चों की माँ हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ, हड्डा कहो हड्डी कहो, जाइए जाइए। क्या क्या इल्जाम लगाती है, क्या चुटे चुटे करती रहती मेरे बच्चे के साथ, क्या बकवास कर रही है, क्या इल्जाम लगाती है, क्यों इल्जाम लगाती मेरा फूल जैसे बच्चे। इल्जाम नहीं लगाती, मैं सच कहती हूँ। मुझे पूरा पूरा शक बल्कि यकीन है ये प्रोफेसर का पाकिस्तान में किसी औरत के साथ कोई चक्कर चल रहा है, वरना ये न्यूयॉर्क से यहाँ पाकिस्तान आता ही नहीं मरने के लिए। अरे ये क्या चक्कर चलाएगा, चक्कर तो मैं चलाऊंगी। अम्मा मेरी नाक कटवा दोगी तुम, ये ना करना, अब ये ना करना बता रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, तेरी शादी के लिए। हाँ वो उसके लिए मैं खुद ही काफी, छोड़ दो। जब शादी करना ना जब देखना, चलो जाओ अभी। अरे शादी करेंगे तुम करके तो देखा, तुझे बीवी लाकर दिखाऊंगा। पूरी बारात अगर मैंने तल के ना खाली ना तेरी तो देखियो, तल के खाएगी तू डायन की बच्ची। ठीक है तू कर लेना, ऐसे ऐसे सख्त आदमी लाऊंगा, चार चार पांच पांच उबाले आ जाएंगे, वो नहीं गलेंगे। देख जब लाना ना पड़ेगी, जब बोला ना चल चल लाएंगे लाएंगे ले आना आएंगे। देखिए तू अब एक तो ये दिल भर मनुष्य पता नहीं क्या मर गया, मैं भूख लग रही है ना दिल भर मेरे। आज से अपन दिल भर नहीं है साहब, सर्किट। सर्किट कौन है भाई? सर्किट मैं हूँ, इसको बोलते घोड़ा। इसको बोलते गधा। इसमें डलता है मैगजीन, इसमें डलता है गुटका। 50 तोला 50 तोला इसको बेच के बहन की शादी कर दे। यार वो दिल भर दिल सही है भाई, ये सर्किट तो फेल हो गया। दिमाग खराब करके रखा हो तुमने, तुम्हें इतनी भी कमीज नहीं है कि मैं यहाँ पे
बैठा हूँ, सुबह समय बकरे ढूंढने चला गया और तुमने मुझे बैग की भी नहीं दी, यानी कि मुझे सुबह की चाय तक नहीं मिली यार। मैं सुबह की चाय लेके आया था सरकार। हाँ आप सोए हुए थे, मैंने कहा पता नहीं पिए नहीं पिए, मैंने पी ली। बहुत शाना भाई बहुत शाना। तो नाश्ता कहाँ गया मेरा? नाश्ता भी लेके आया था। हाँ मैंने कहा पता नहीं नाश्ता करे नहीं करे, मैंने कर लिया। अखबार ही दे देता सुबह का, ये पुराने अखबार पड़े हुए यार। तो आप सोए हुए थे, मैंने कहा पता नहीं पढ़े नहीं पढ़े, मैंने फाड़ के फेंक दिया। कपड़े आ गए धुल के मेरे? हाँ आ गए थे। मैंने कहा पता नहीं पहने नहीं पहने, मैंने रख दिए। सरकार मेरी तनख्वाह तो दे दे। तेरी तनख्वाह सुबह मैंने बैंक से निकाली थी, फिर मैंने सोचा पता नहीं तू लेना ले, मैंने खर्च कर दिया। ता काम कर मेरे बेटा काम। भाई शर्म कर ले, नौकर की तनख्वाह खा गए हो तुम। देखो अंग्रेज खाना किस तरह खाते हैं, ये देखो मुसलमान छीनते किस तरह। ये क्या कर रहा तू मेरे भाई का नाश्ता क्यों ले रहा? तेरे भाई का नाश्ता तेरे भाई की बोटी है इसमें। मैं अपने लिए लाया हूँ। मैं अपने लिए कैसे लाया? ये मेरा घर है, मेरा घर, दिस इज माई हाउस। ओके ये इसका भी घर है, मेरा भाई है, ये खाएगा? इसका कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सोता है। चलो ठीक है तुम खा लो, गरीब के पेट में लात मारी ना तुम्हारे पेट में भी दर्द होगा। होने दे यार, होगा तो। मैंने पहले कहा इसके तंबाकू वाले पान फुड़ा दो, उसके दिमाग पे पीक चढ़ गई है। उसके दिमाग पे पीक चढ़ गई है, तुम्हारे दिमाग पे पता नहीं क्या चल गया है। क्या दबाओ भाई, देखो बस शक्ल है और फखर से फिर रही दुनिया में। हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो हाँ हाँ हेलो भाई, मैं बात कर रही हूँ। हाँ तो करो, मैं क्या मना कर रहा हूँ? अरे मैं बात कर रही हूँ। हाँ तो करना क्या है? अच्छा बात सुनी, आप कहाँ पर हैं? मैं घर पे। नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, बताइए ना आप। चलो मुझे गुनाह मिलेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, बताइए ना। अब तुम औरतें इतनी लीचड़ क्यों होती हो? सही जगह पे भी उभर रही है, बताइए ना। किसका फोन है, लैब के बात कर रहे हो? बात सुनी, ये किस औरत की मुझे आवाज आ रही है? ये हमारी कपड़े धोने वाली है। कौन कपड़े धोने वाली? कौन कपड़े धोने वाली? तुम मेरे कपड़े नहीं धोते? धोती हो? फिर क्या होती है जो कपड़े धोती है? कपड़े धोने वाली। सुन लिया, कपड़े धोने आ रही है। चांद बताई रही औरत कौन है, मुझे शक हो रहा है। शकमक नहीं करो। हाँ अब ठीक है, सिद्दीक नहीं है? कौन? राठौर का भाई हुआ। हाँ मैं गा रहा हूँ। अच्छा बात सुने, लैला मजनू सस्सी पुन्नू सब ने एक दूसरे के लिए प्यार में कुर्बानी दी है। हाँ। आप मेरे लिए क्या कुर्बानी देंगे इस बकरा ईद पर, जानवर की अपने अलावा? एक गाय है मेरी नजर में। लड़ाका टाइप भी है, संभालनी मुश्किल हो जाती है। देख रहे देख रहे, गर्दन की खाल बहुत मोटी है भाई, कटेगी नहीं, ठोसे मार, पेट में ठोसे मार के बेहोश करना पड़े। चलो कर लेंगे, कर लेंगे इंशाल्लाह। जान मुझे गाय नहीं चाहिए, मुझे गैर मुल्की बकरा चाहिए जो अमीर तरीन हो। हाँ बकरा अमीर तरीन हो, अब देखेगा मिल जाएगा लेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा बात सुनी, मैं इंटरनेट पे बैठ के सारी दुनिया के बकरे देख रही हूँ। तुम हो कहाँ इस वक्त? मैं आपके ऑफिस में हूँ। घर पहुँचो, घर पहुँचो, घर घर पहुँचू फौरन घर। जी अच्छा पहुँच रही हूँ। ठीक, ये किसको घर पहुँचने के लिए कह रहे हो? किसके गाय बकरी के मसले कर रहे हो? सिद्दीक की अम्मी जा रही है उम्रे पे। सिद्दीक की अम्मी जा रही है उम्रे पे, तो तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं तुम्हारी तरफ से खत भिजवाया माफी का। बकरा गाय का क्या मसला था? बकरा कह रहा सुद्दीप, बकरा मेरे को अच्छा दे लो, मैं बकरा दूंगा। बात सुनो, हम अपने बकरे के लिए परेशान है, तुम दूसरों के मसले हल कर रहे हो। अरे अपना भी आ जाएगा यार, अपना सब आएगा, मना कर दो उसको। मेरा बकरा भी मुझे पता, शोहर की बेइज्जती के बाद क्या होता है दोजख में? क्या होता है? क्या होता है? कसम खुदा की बड़ी बुरी तेरी हालत हो।
हालत में मैंने ख्वाब में बशारत में भी देखा, तू आग पे जा रही है चलती। पता ना मियाँ की इज्जत करो हमेशा। मियाँ भी तो इज्जत करवाने वाला हो ना, तुम क्या करनी हो ना, मेरा नाम कोई जायदाद है ना, मुझे कोई ज्वेलरी दिला के दी, बकला तक तो आया नहीं है, बात करें मियाँ है। ये ज्वेलरी पहनी ये तूने किस्तों पे ली है? मैंने नहीं दिलाई, ये मैंने अपने पैसे जमा करके लिए। बकवास मत किया करो मेरे साथ, खड़े आए नहीं तो। खबरदार मैं फोन सुनूंगी, उतरो उतरो। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? जल्दी से प्रोफेसर को टेलीफोन दे। क्यों, मुझसे बात करते हुए मौत आती है क्या? बकवास बंद कर, जल्दी से प्रोफेसर को फोन। अबे आराम से बात कर बे, तुम बकत मारे देखो, औरत से बात करने की तमीज ही नहीं है। तुम्हारा कौन है? तू औरत है? अपनी आवाज देख कम बकत, दही वाले जैसी आवाज दे रही है। गजक वाले आते सर्दियों में ऐसे, गजक वाले बात करो। औरतों की आवाजें अपनी होती है, खनकती हुई। हेलो, हम बात कर रहे हो? हाँ हम उससे वही थी ना। ये होती औरतों की होती नहीं। तू किस बात पे इतरा रही है कंबर? मेरे इतने बड़े बड़े काम है, इतने बड़े बड़े कान जब दही बड़े जैसे। हमें कौन है, किस लिए हमें डिस्टर्ब किया? प्रोफेसर जी भाई, हमने तुम्हारे साले को अगवा कर लिया है। क्या हुआ? बिरयानी का मजा दुबाला हो गया क्या? हमारा प्राइस बर्ड निकला है। मेरे भाई उस बंदे ने बात की है, खुदा का आचार जैसी बात कर ली। प्राइस बर्ड निकला है हमारा? निकल गया हमारा प्राइस बर्ड निकल गया। कितने का? अभी पता लगेगा। हाँ भाई पूछो पूछो। हाँ भाई क्या हुआ क्या? अगर तुमने हमारा मुतालबा नहीं माना तो हम उसका मर्डर कर देंगे। वाह वाह वाह, हम आपका शुक्रिया अदा कर देंगे। मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। क्या कर देगा? आंखें निकाल दूंगा। मैं आपका इनाम निकाल दूंगा। दे देंगे। मैं उसे आप पे नचवाऊंगा। मैं आपको मिठाई भिजवाऊंगा। अगर तुमने एक घंटे में पैसे नहीं भेजे तो मैं उसकी लाश तुम्हारे घर भेज दूंगा। घर नहीं भेजने क्या? क्या मतलब मुझे घर नहीं भेजना? लाश लाश भेजो ईडी सेंटर। ईडी सेंटर लाश? हाँ। किसकी लाश? अरे भाई दिलचस्प बात है। खुदा का शुक्र करना। हाँ। अल्लाह तुम्हें दिन दिखा रहा। तुम्हारे भाई की लाश आने वाली है। मेरे भाई की लाश आने वाली है और तुम इतना हंस हंस के बात कर रहे हो, मुझे खुशखबरी सुना रहा, तुम्हें शर्म नहीं आती ना तुम्हें बहुत। हेलो हेलो, देखिए मेरे भाई को कुछ मत कहिएगा प्लीज, आप मुझे बताएं आपको क्या चाहिए। 1,00,000 रुपया अगर 2 घंटे में नहीं आया तो मैं उसके टुकड़े पार्सल करके भेजूंगा। वो 1,00,000 रुपए मांग रहा है। 1,00,000 नहीं हुआ फिर ये 2-4 हजार में बात कर लो। पागल हो गए, मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। 1,00,000 का है नहीं वो। क्या मतलब तुम्हारा? मैं एक आदमी 1,00,000 का है नहीं, उसके लिए 1,00,000 क्यों खर्च करें? मेरा भाई है वो। नहीं, प्लीज आप देखिए कुछ मत कीजिएगा, आप मुझे एड्रेस बताइए, मैं प्लीज आपको पैसे भिजवा दूंगी। आप मेरे शौहर को ये एड्रेस बताइए प्लीज। ये ले। हाँ भाई कहाँ पहुँचाना है, क्या करना है? काला बाग पीले पुल के नीचे अपनी गाड़ी में आना और गाड़ी का डिपर मारना। हमारे लोग आएंगे, 1,00,000 रुपया लेंगे और कचरा तुम्हें दे देंगे। बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे, हम आके ले जाएंगे। डिलीवर मेरा भाई। बेटे मैनेजर साहब से कहो 1,00,000 रुपए लेके काला पुल चले जाए। एक गाड़ी आएगी डिपर मारेगी, उसको 1,00,000 रुपए देना, वो एक कुत्ता देंगे वो ले आना। जाओ कुत्ता, मेरे भाई को तो कुत्ता कह रहे हो, वो इतनी मुश्किल में पता तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा भाई, आए नफले पढ़ने जा रही हो अपने भाई। नफले नफले, और अंदर जाके वो रिसाले पड़ेगी खुदा की। बड़ी चीटर औरत है भाई, बहुत बड़ी चीटर है। अगर हमारे वालिद के इसके अब्बा पे पैसा ना चाहिए होता, हम कभी शादी ना करते। आए
क्यों आ गई? क्या हो गया? आपने तो मुझे कहा था घर पहुंचो। मैंने तो तुम्हारे घर कहा था। वो तो मुझे वैसे भी आया था, आपने मुझे बकरा क्यों नहीं दिलाया? आप मुझे बकरा क्यों नहीं दिलाते? मेरे दुम्बे बकरा लेके क्या करोगी? मैंने कहा था मैं घर पहुंचा दूंगा, बकरा घर आएगा। आप कौन है? ये कौन है? पता नहीं कौन है। क्या हो गया? आप मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ? मारो मारो बता दूंगा, प्लीज जरा। ये क्या? एडजस्टमेंट। तुम हमारे घर क्यों आई हो? तुम हमारे घर आने का तो शौक नहीं मुझे। मैंने बुलाया उनसे, पूछो। इसने क्यों बुलाया होगा? उसके फूफा लगती है, चाची लगती है। फिर वही घर घर खलांग रिश्ते ना बना। ये मेरा दोस्त है। दोस्त है? मेरा एक दोस्त है जिसका मैं दोस्त हूँ। मेरा जो दोस्त है उसकी जो बीवी है और उसकी जो सहेली है और मेरा जो बेटा है उसकी जो माँ है और उस माँ की जो दादी है उस दादी की बहू है। ये कहाँ से क्या है मुझे समझ नहीं आ रही, सही खुलकर बताओ। ये नक्शा बस केडीए वालों ने बनाया है। होती कौन है मुझे औरत औरत कहने वाली? मुझे पहले ही औरत तुम क्यों सो? ये तंबू लगाने वाला है प्रोफेसर। मुझे बताओ ये कौन है? तुम अपने मुंह से क्यों नहीं बताती हो? बनू बता बेटी, बता बेटी, जब से आया जीखी जा रहा, चुप करो। मैं जीखी जा रही हूँ? मेरे घर में नहीं बता दे मैं कौन हूँ आपकी। तू बता देना मोटी। मैं बता देती हूँ डबल मोटी, मैं इसकी बीवी हूँ। मुझे याद नहीं, मैं शायद इनकी शादी में गया था। तुमने शादी कर ली प्रोफेसर? अगर इसके पीछे रीजन पूछो क्या है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? शादी के पीछे क्या रीजन हो सकता है? रीजन, यस, वेरी वेरी स्पेशल रीजन। मुझे बताओ। अच्छा, प्लीज लिसन टू मी, लेट मी फिनिश व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज कम ऑन। ये मैंने बहुत बड़ी नेकी की है। ये शादी में कौन सी नेकी है? ये बिचारी बहुत बड़े मर्ज में मुब्तला है। मर्ज में मुब्तला है? इसको एंसर है। एंसर क्या होता है? कैंसर से 2 डिग्री ऊपर है। तो तुम इसका इलाज करवाना, उससे शादी क्यों कर ली? लेके गए थे डॉक्टर ने कहा मैं सिर्फ शादीशुदा औरतों का इलाज करता हूँ, सिर्फ इसके इलाज के लिए इससे शादी करी है, वरना हमारे दिमाग में कोई ऐसा फतूर नहीं था। तेरे जैसी मसीहा औरत होने के बावजूद कौन आदमी होगा जो शादी करेगा? अरे नेकी ला करके तेरे कदमों में कर दी है, अल्लाह तुझे सवाब देगा। इसमें तेरे लिए की है कि तेरे गुनाह माफ हो जाए और मेरा क्या है? इंसानियत के नाते से शादी की? इंसानियत के नाते मैंने ये नाता बनाया है और तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है। हाँ ये बात तो है, मुझे पता, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर ने इसकी जिंदगी कितनी बताई है? डॉक्टर ने कहा है मुश्किल से ये 30 साल जिंदा रहेगी। मुश्किल से सिर्फ 30 साल? वो भी मुश्किल। तो 30 साल में तो मैं निकल जाऊंगी। तुम अपने आप को संभाल के रखो, अपना स्टैमिना ना तोड़ना प्लीज। तुमने हमदर्दी दिखाई है? नेकी है ये नेकी, तुम भी नेकी करो, आगे बढ़ो। सॉरी मैंने तुमसे लाउड होकर गुफ्तगू की, मुझे माफ कर देना। बिल्कुल मुझे अपनी बड़ी बहन समझना, जिस चीज की जरूरत हो आवाज देके तलब करना, एक मिनट में तुम्हें दस्तयाब हो जाएगी। और बकरे की बिल्कुल फिक्र ना करना, मेरा बकरा तुम्हारा बकरा, तुम्हारा बकरा मेरा बकरा, हम दोनों शुक्रानी में आधा शेयर करेंगे। ओके बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे इखलाक, बहुत अच्छे। मतलब इखलाक तुम्हारा कितना अच्छा है। यू आर ग्रेट, रियली यू आर ग्रेट वुमन इन द वर्ल्ड रीजन, नोबडी लाइक यू। ओह माय गॉड, यू आर टू ग्रेट माय डार्लिंग स्वीटहार्ट। थ्री थर्ड क्लास ग्रेट यू आर। बहुत
अच्छे भाई, आज तुम दोनों का आपस में संबंध हो गया है। बात सुनिए, आप मुझे शॉपिंग पे कब ले जाएंगे? नहीं, ले जाना ना, ले जाना ना। नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट। दिलबर मेरे, जब तक तुझे आवाज मैं दे रही दिलबर, ये हमारे स्पेशल किस्म की गेस्ट है, ओके? इनकी खास खातिर मुबारक के इंतजाम। नॉट स्पेशल, शी इज माय वाइफ। भगवान, शादी कर ली? सबकी वाइफ है सामने, इंसानी हमदर्दी के नाते से शादी की है। देखिए, इसको बहुत बुरी बीमारी है। क्या इसको कैंसर है? ये क्या होता है? ये कैंसर से भी बड़ा होता है। देखिए, बेचारी की जिंदगी ना सिर्फ 30 साल है। अल्लाह अल्लाह, इतनी कम उम्र। सभी रोते तुम्हें देख के। नहीं, वो इसकी बहन की शक्ल ना तुमसे मिलती है, वो सब दुनिया में नहीं रहना, बस याद आ गई थी उसको। अच्छा बात सुनी, मैं घर जा रही हूँ, मुझे पक्का दिला दीजिएगा। और ये मिल जाएगा ना प्रॉब्लम? देखिए, यहाँ से भूल मत जाइएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेगा, बल्कि ये भूलेगा तो मैं याद दिला दूंगी मेरी जान, डोंट वरी। और जन्नत में कब्जा ग्रुप है तू जा। ओके बाय बाय। माशाल्लाह, कितना किया आपने, हमेशा सौकनों के साथ ऐसा सलूक करो, अल्लाह खुश होते हैं। और हर मुसलमान, तुम देखना तुम्हारी वजह से ये नेकियां मैं कितनी करूंगा। अगर तुम्हें 1000 मिले। नहीं नहीं, वैसे प्रोफेसर आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मुझे आज फख्र हो रहा है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुमने इंसानियत के नाते शादी कर ली, इतना बड़ा बोझ लाद दिया। बस इंसानियत के लिए जी रहा हूँ। ओह रियली, मैं देख रहा हूँ कौन कौन इंसानियत के काम आ सकता है। नहीं नहीं, किडनैपरों से ये चनाव गुजारा ना जाएगा, तुम देते रहोगे पैसे, साला फिर घर आएगा। क्या बात है भाई साहिर लुधियानवी, इस्तकबाल करो, पथराव करा दो इस पे। पथराव नहीं, कोई फायरिंग करो, कोई कबूतर छोड़ो, हिजड़े नचवाओ। अबे उन बिचारों का क्या कसूर है? वैसे भाई एक बात है, गिरने पर थे बड़े जाए, सजा देने भी नहीं आती उन्हें। मुझे उल्टा लटका के बोल रहे चाय पियो। और किसने तो पीता इसी तरह है। क्या हो गया तुम्हें? चुप करो, छोड़ो भाई की बातों को। पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी उदास थी, इतना मैं रोती थी तुम्हारे लिए, इतना रोती थी, कसम खुदा की भाई, तुम्हारे बगैर मेरे हलक से निवाला नहीं उतरता था। बेगम साहबा, वो 3 प्लेट बिरयानी में से 2 आपने खा ली थी, 1 बची, उसका क्या करूं? निवाला नहीं उतर रहा था, बिरयानी खूब सुड़क रही है। लेकिन फिर भी भाई की मोहब्बत देखो, चावल खा लिया, रोटी तो भी नहीं खाई। हाँ भाई भाई, तुम्हें भूख लगी होगी ना, आओ चलो जाओ, दोनों बदशकल बहन भाई जाओ, दोनों वाहिद बहन भाई, नजर ही नहीं लगती तुम वक्तों को। ये कोई स्मार्ट आदमी को बताओ, आदमी है ना, तो आदमी नहीं है। बाल बचा है वो। नहीं नहीं, बाल कैसे उसके? बाल तो बहुत ही हसीन है डैड, और खास बात डैड कि वो अमेरिका में पैदा हुआ है और इंडिया में जवान हुआ है और अब पाकिस्तान आ गया। मतलब कहीं बच्चा टिक के बैठा नहीं क्यों? भाई उसे घर बुला लो, पर उसको देख करके रिश्ता वाला तय करते हैं, मिठाई विठाई वो दिल वाला कलाकंद मंगाएंगे। दिल वाला किसके रिश्ते की बात कर रही है? बकरे की बात कर रही है? बकरा मिल गया उसमें खुश हो रहा है क्या? हाल बला, कितने कहे भाई? बस सिर्फ 5 लाख रुपए का। 5 लाख? 5 लाख का बस? हाँ। अच्छा नाम क्या है? नाम नाम मम्मा का शाहरुख। हाय शाहरुख। अरे उसके साथ देखो वो बकरी हो अगर कोई, रानी मुखर्जी टाइप की। प्रोफेसर बातों में अपना वक्साय मत करो, जल्दी चलो ना, कोई और धक्का लेगा, जल्दी। कोई कैसे ले जाएगा, ये ट्रे उठाओ तुम। मैं ट्रे उठा लूंगा, तुम चलो अंदर। क्या ट्रे क्या पे चलते हम लोग, काम भी क्या करो। तो भाई इसके
कपड़े कहाँ से मिलते हैं इसके? चलो चलो पे पहनाऊंगी और फिर एक तेवासी पे पहनाऊंगी और सबसे पहले कुर्ता।
पैंतीस बजे हो रहे हैं। माफी नहीं चाहते, तुम जो चाह रहे हो ना वो होगा नहीं यहाँ। लाइव क्या रहे लाइव? बिहार लाइव ही मारेंगे हम तुम्हें, बता रहा लाइव मारूंगा बता रहे हो। अच्छा सर, अब क्या खाने में रिकॉर्डिंग करके मारूंगा। अबे एहसास क्या है सर? एक एक बात बताए, वो क्या है देखा ना मनुष्य उड़ा दिया ना, उड़ा दिया ऐसी चीज के पास अखबार लपेट के जाओ आराम से मार दो। किसकी बात हो रही है? आपकी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है पतंगे। भाई है भाई मेरा। अच्छा भाई है, चलो भाई की तरफ रख लेंगे। आप कुछ कहेंगी? मैं तो कहती हूँ छुरी फेर दो इस पे, समझा लो अपनी अम्मा को। बस बात है लाइव लाइव नहीं जा रहा। जी जी सर, आई नाजी चलते हैं नजामी के भाई की तरफ। सर आप ये 5 लाख की बकरी के मुताबिक कुछ कहेंगे? शकील जी तो कैमरे में आया यार, अबे तो फोकस तो खोलो ना इसका, अपर्चर फुल खोल दो। जी कोई रोशनी डाले कुछ? हाँ जी मैं बता रहा हूँ, हमारा तो बकरा बड़ा स्पेशल बकरा है, मतलब उसकी क्वालिटी है भाईजान, आप दूर से देखोगे ना भाई खुदा की कसम पूरा बकरा ही नजर आएगा। ये था लियो एंटरटेनमेंट, अब चलते हैं अगले। सर आप कुछ कहेंगे? सर किस घर में आ रहे हम लोग? आइए नाजरीन दोबारा चलते हैं। यार ये खड़े हुए मौजूद लोग इनसे नहीं पूछ रहे। चले आप भी कुछ कमेंट दे दे अपने। असल में बात चार इश्तेहार आ जाते टिकट में, असल में बात ये है टिकट में चार इश्तेहार आए थे थोड़ा। आप बताएं आप क्या कहता है? सुरात पे तुम ये नहीं जानता बेटे, 4 घंटे की नशरियात तुम्हारे घर में चलाऊंगा। ठीक है तुम्हारा, हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप ये बताइए, अब नाजिम हो गए बेटा, अब उस बकरे का दीदार करवाए। देखिए आंसू भरी आंखों से मैं उस बकरे को बुलाऊंगा, लेकिन टिल में अबे हम कब रोएंगे यार, इसे जनाजों पे किराए पे चलाया कर तू, मुसीबत हो गई यार, अजाब हो गया यार, बकरा बुला कर छोड़ो, हंसो भाई हंसो, इसे टपाओ हंसो, हमारा बकरा कटेगा इसको टपाओ। अबे दिलवर बकरा लिया अंदर को, ये कौन है कीचड़ का बना हुआ बदमाश? पता नहीं कोई अपनी जगह से ना हिले, बहुत महंगा बकरा खरीदा है प्रोफेसर। 5 लाख का लिया भाई, 5 लाख का, अब 5 लाख हमें भी दो तो बकरा मिलेगा तुम्हें। क्या मतलब? ये कौन साथ थे? इन्होंने बकरे को अगवा कर लिया। Thank you.
दी। अरे उठ जा बेगम साहबा, मेरे पास जितनी पढ़ाई थी सब फूंक दी। अरे नहीं उठेगी, जूती दूंगा, मकर कर रही है ड्रामे बाज। अबे यार आपसे बोला यार, आपकी बेहोश पड़ा यार, बेहोशी में वक्फा आया था ये। अरे नाक पकड़ नाक, ये लो। अरे मेरी बाजी के। अबे हुआ क्या, हुआ क्या, क्या हुआ मेरी बच्ची को? मेरी बच्ची बेहोश हुआ क्या? कोई शाहरुख अपना हो गया उसके घर में बेहोश। अबे यहाँ तो मारा मारी हो गई बाहर, लागा सारा कोट भाड़ दिया मेरा उन्होंने यार, कसम बुराई कोट भाड़ दिया मेरा। क्यों बेगम को क्या हुआ? बेहोश हो गई। क्या इनका फीड है रही? क्या इनका होश में लाना, पानी का छिड़काव करो। अच्छा अबे कौन पे रेम जी, रेम जी में पड़े शबनम गिर रही है शबनम। तुम सब याद हो शाहरुख का है? शाहरुख का है? शाहरुख लापता है, नहीं मिल रहा, सारा जान देख लिया, टेलीविजन पे इश्तेहार चल रहा है, रेडियो पे उसके नाम अनाउंस हो रहा है और अखबारों में उसकी फोटो आ रही, नहीं मिल रहा, क्या करें? कैसे नहीं मिल रहा प्रोफेसर, तुम ढूंढो तो सही ना उसको। पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस। पुलिस कैसे ढूंढ रही है, जब तक नहीं मिला है वो? मिल जाएगा भाजी, आप फिक्र ना करो, मिल जाएगा। आप फिक्र नहीं करो भाजी, मिल जाएगा भाजी। आप यार बीवी घबराहट में है यार, टीवी वाले आए, मेरा मेकअप ठीक नहीं है। जाओ जाओ कर लो, जो कर सकते कर लो, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। जाओ जाओ, जो कर लो जो कर लो, जाओ जो कर लो। अरे बेटा खामा खा परेशान ना हो, 1000 रुपए का बकरा ला और बता कि ये है शाहरुख। अम्मा नहीं मानती ना, बहुत तेज औरत है वो। अरे तो चप्पल चला, चप्पल चला, चप्पल को कश्ती होती चला, स्कूटर है चलाऊ। अरे तो बीवी से कहा तू दबता, तू तुम अम्मा पीला वजह में बात बढ़ा रही हो। देखो यार तुम आया कि नहीं आया, दोबारा मौजूद है प्रोफेसर निजामी के घर में, जैसा कि आपको पता है 5 लाख का वो कीमती बकरा। अबे तू हमसे बात करते पहले, तू अपना कर ले। अरे लाइट जा रहा है तो जाने दे, पब्लिक को बता रहा है। निमा निमा बेटी दीजिए बड़े दो, तुम्हारा मेरा एक मुकाम हो जाएगा, क्या कर रहे हो? सर 5 लाख का ही बकरा जो अगवा हुआ है इसके, ये फुहार हो रही है यार, चलो माल बना रहे हैं, इसके मुताबिक कुछ आप रोशनी डालेंगे। देखिए जी 5 लाख का बकरा हमारे हाथों से निकल गया, ये किसी को नहीं रोने देगा खुदा की कसम, ये वो लगातार मनुष्य बच्चा भाई। अबे इसे तू लेके फिर रहे तू? सर दूंगा, हम इससे देखा नहीं जाता ना, इसकी आंखों पे ना वो घोड़े वाला चश्मा पहना दे। घोड़े वाला? हाँ ठीक है सर, अब जाएगा नहीं तो यार जी सर, तो जरा कंटिन्यू करें प्लीज। देखिए हमारा काम है जी, हमारा घोड़ा खो गया है। घोड़ा क्या खो गया यार? हमारा बकरा खो गया है, हमारा बकरा खो गया और हमने अभी तक पुलिस नहीं आई। आइए इनसे इनके जी। अब मेरे दासुर क्या पूछ रहे, मेरा तो जी सीना गम से फटा चला जा रहा है, मेरा बकरा अगवा हो गया है, आप यकीन बताओ, मैं आपको यकीन। अबे ये कौन है ये? इसके सामने ऐसी बातें मत करे ना, हैप्पी हैप्पी खुशी खुशी की बात करती, खुशी खुशी बोलो, बकरा गया भैया 5 लाख का गया। चुप करो, खुशी करे, मुझे तो गम हो रहा है जी। आप देखिए मैंने तो वो कपड़े सिलवा के रखे थे, सारे के सारे बेकार हो गए, मैंने तो मन्नत बांधी हुई थी कि भले मेरा मियां ले लो बकरा दे दो। काट दो ये, काट दो ये, इनका सियासी बयान है, काट दे। क्या कर रही हो तुम बशकल, क्या कर रही हो? चुप करो, कम से मेरा दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग ले लो मेरा बकरा। क्या क्या हुआ? इतना तो कोई अपने बाप के लिए मरने पड़े हुए, इतना ये बकरा की नहीं रो रही है। चैनल से निकलवा देगा। आइए राजनी, चलते हैं मिसेज इलामी की तरफ। मिसेज इलामी ये बताइए कि इस वक्त आपको सबसे ज्यादा याद किसकी आ रही है? उसकी। उसकी किसकी क्लियर कर दे, बता रहा हूँ। क्या कर रहे हो? जो तू कर रही है ना बदतमीजी, उसकी इसकी, ये पागल नहीं है? मम्मी इस जमाने में तो चंपू नहीं हूँ मैं। चुप करो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, मैं शाहरुख की बात कर रही हूँ, बकरे की बात कर रही हूँ। ये लो अपनी जुए, लो अपनी जुए। देखिए
है जी। जी जी। शाहरुख मेरा खो गया, जगह जगह उसका चेहरा सजा के रखा हुआ है मैंने। अल्लाह खुदा की कसम, दाने दाने को तक से वो किंडर में जो मेरा शाहरुख अगवा करके ले। मैं कौन है, मैं तो इसी को मनु समझता था, तू इसका भी बाप निकला। आपके जहन में किस तरह आइडिया आया कि बकरा अमेरिकन होना चाहिए? एक्चुअली जी मैं चाहती थी जरा अलग तरह से कुर्बानी करूं। तो 5 लाख का बकरा था, एक तरफ ले जाके कर लेती कुर्बानी। ये शोशा करके बकरे को अखबारों में आया, बस उठा लिया उठाने वालों ने। सही सही। चुप करो जी। आपको किसी से कोई शिकायत है माशरे से कोई? जी बिल्कुल शिकायत है जी। मेरा बकरा अगवा हो रहा था, सारे लोग तमाशा देखते रहे, किसी से इतना नहीं हुआ कि दौड़ के वो किडनैपर्स को पकड़ ले। पुलिस से कोई शिकायत है? जी बिल्कुल है। नहीं नहीं हमें पुलिस की शिकायत नहीं भाई। अच्छा? पुलिस कोऑपरेट कर रही है, बहुत कोऑपरेट कर रही है पुलिस। अगर आप पुलिस बारे में कहेंगे जिसके बारे में बकरा हुआ है, हाँ उनको कहेंगे जी। नो कमेंट्स। आला काम जो कोई अपील करेंगे आप? मैं करूंगा जी अपील। देखे जी बिचारी बेवा औरत है, अपील के शुरू में यही लगाते हैं ना। पागल हो गए हो, अपने आप को मान रहे हो? इस तरह तो हम मान। देखे जी मैं आला काम से अपील करना चाहूंगी। बिल्कुल इससे आला हो मुका? आला काम से अपील करना चाहूंगी मैं। तुम दांत सेट करवा लो अब लग जाओ। अगर हवा निकलने लगी मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आपने अभी कहा आला मुका भी उधर, इससे बात खराब होती, टीवी पे आ रहा है ना। लाइट जा रहा है लाइट। अब अगर तुम बीच में बोले तो कसम खुदा की मैं उठ के चले जाऊंगी, मेरा दिमाग ना खराब करना। एक मिनट पहले ये एम्बुलेंस गुजर जाए सर। देखिए जी मैं आला काम से बिल्कुल अपील करना चाहूंगी कि वो शहर से खुदा के वास्ते डाकुओं को बिल्कुल खत्म कर दे। अब क्या हो गया, डाकू मर गए तो डाका कौन डालेगा? देखिए हिसाब से कितना है सर इसका। ये बताया मिशन हो सकता है आपका बकरा ये ट्रांसमिशन देख रहा हूँ वो पूरा पिटेगा भाई। अब मेरा दिमाग बन रही है, दिमाग बन रहा है जी। बकरे के नाम पे मैसेज हो सकता है, वो देख रहा हूँ बकरा जी। बिल्कुल बकरे के नाम मैसेज देना पाऊंगा तो देख। तुम दे दो तुम्हारा बेटा है ना, तुम दे दो। देखो शाहरुख बिल्कुल घबराना नहीं, हमने तुम्हारी तलाश में घोड़े दौड़ा दिए, हम तुम्हें हासिल करके रहेंगे और किडनैपर को करारे वाकई सजा दिलवा के रहेंगे। देखो शाहरुख कुछ भी हो जाए स्कूल जरूर जाना, अगर सोसाइटी में बदल रहे पढ़ा लिखा बकरा है भाई। सर आप कुछ कहेंगे? लाइट जा रहे हैं टीवी डाल लेंगे ठीक है, हम ये आपके अपील आला काम तक पहुंचा देंगे। अरे मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। बार बार इसको चलाए, टेलीविजन पे लाए, हर जगह लाए, इसको बार बार चलाए। क्या वो जल्दी करे भाई लाइट? अब तुम घबराओ मत, मिल जाएगा। अब तो टीवी पे भी चल रहा है, अब तो टीवी पे भी आएगा, मिल जाएगा। मेरे दिल को सुकून उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक शाहरुख घर नहीं आएगा। ओए होए, मेरी कितनी बेइज्जती होगी मुझे तो समझ नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अबे तू हमेशा ऐसे आता जैसे पता नहीं कोई अजाब आ गया है। क्या हुआ? पुलिस आ गई, पुलिस। बेगम पे कपड़ा डाल दो। क्यों? बेगम पे क्यों कपड़ा डाल दो? अच्छा ये तो बीवी है, ठीक है यार। पहले हम लोग इस तरह दो दफा पकड़े जा चुके हैं ना। तेरा जहन में भीम था भीम। जी क्या देख रहे हो, सलाम कौन करेगा? तो जिसके पास टाइम है सलाम कर लो भाई। पुलिस इंस्पेक्टर है। अच्छा सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। हाजी कौन कौन है इस घर में? ये सब लोग जो खड़े हुए। आप कौन है? मैं कौन हूँ? मैं प्रोफेसर बिदानी, ये माय वाइफ, माय डॉक्टर, माय चमचा एंड माय सर्वेंट। अच्छा तो प्रोफेसर आप है? जी सर। ओए, तुम कौन हो? इधर क्या मैं तुम्हारे को बुला रहे हैं? तुम्हें बुला रहा हूँ। इधर आओ इधर आओ। चलता है कैसे? ऐसी बस। कैसे चलता है? सही चल। नहीं करो, घर में कोई नहीं है। घर में एक्सक्यूज मी सर, क्या बात? अपना सर थोड़ा साइड में रखिएगा। वो क्यों? कैमरे में चमक पड़ रही है। प्रोफेसर साहब आप जरा आइए, प्लीज।
शुक्रिया जी। बकरा चोरी हुआ आपका? जी। अच्छा, तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है, यार हमारा बकरा चोरी हुआ, इम्तिहान देना है आपको। मैंने कुछ मालूम करने जा रहा हूँ आपसे जी, कि बकरा जब चोरी हुआ तो अगवा करने वाले को किसने देखा है? मैं बताता हूँ, इनने देखा जी। तू अगवा होने में कितना खुश है, इसके कपड़ों से अंदाजा लगाओ। अबे क्या 14 अगस्त है, ये कपड़ों से अंदाजा लगा खुशी मना रहे। बस है, बस बस चले आप। थोड़ा देखा तूने भाईजान, मैंने पूरा नहीं देखा, भागते हुए उनकी बुद्धि नजर आई थी। बुद्धि से कैसे पहचान करा करो करना भाई? ये नहीं है भाई, ये नहीं हो सकते सरकार, इनकी तो 2 बुद्धि है। हमें से देखिए जी, इस तरह की कुत्ती तो सवाल ये पैदा होता है, ऐसा आदमी कैसे पैदा होता है? मेरी तरफ क्या देख लो, मैंने पैदा किया है क्या? जी बेगम साहब, आप बताएं कि आपने अगवा करने वाले को देखा? जी मैंने देखा है जी। कैसा था? उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, रोमांटिक सी ना, खड़ा एक कड़ी नाक थी उसकी, और कुछ मिक्स सा कलर था, कर्ली सी हेयर थी, और लंबा सा खत था उसका। मैं उसके साथ शॉपिंग पे चली गया। तू तू क्या अपना आइडियल ढूंढ रही है अगवा करने वाला? मैं तेरी आंखों में ये चमक सी आ रही है ना, पाइप मारूंगा इन आंखों में, अभी बता दूंगा सबको। एक आंख पत्थर की तेरी, एक आंख पत्थर की भाई, मेरे को तो पता ही था, एक दिन मेरे निकाल के मार दी सर्वे। आप बात कर रहे थे बकरा चोरी हुआ तो ये आदमी क्या कर रहा था? सर ये मुझे देख के ना तंजिया मुस्कुरा रहा था। ये नफ्सियाती मरीज है, कौन है यार ये? मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अच्छा जी, 5 लाख का बकरा है तो मुझे ये बताए कि 5 लाख का जब बकरा है तो एक गोटी कितने की हुई? सिफर सिफर में 2 डाले, 2 में से सिफर निकाला, फिर सिफर में 2 डाले, फिर 2 में से सिफर निकाला, सिफर में 3 डाले, 100 रुपए की एक गोटी। 100 रुपए की एक गोटी जी? 100 की गोटी तो आप ये रखेगी 500 रुपए जी, समझे कि कानून ने 5 गोटियां बरामद कर ली है। काम कर रहे 5 गोटियां अरे आप क्या हो गया शकील, मैंने इनको हमेशा पैसे लेते हुए देखा है, आज देते हुए पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है, मैं तपीश आपने कर लिया हमने,
लेकिन मैंने बड़े छापे मारे, कल मुझे एक जगह सिरी मिली है, फेफड़े मिले, पाए मिले, तो इससे मैंने अंदाजा लगाया ये जो ग्रोह है ये सालन बकरा नहीं बेचता, ये पार्ट्स बेच रहा है, समझ गए। अब एक काम करेगी, मुझे घर में से कोई बंदा दे तो मैं धान ले जाके तफ्तीश कर ली उसकी। ये ले जाना पड़ेगा जी। नहीं, इसको क्यों जाना पड़ेगा, तो खराब चले धान बना, धान बनाया चले जाओ, उसको लेके जाए। अगर चोर निकला ना, तुझे तलाक मैं भूसी टुकड़े पे लिख के दूंगा। तेरा भाई चोर नहीं है प्रोफेसर, हकीर औरत वही है। बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मैंने सारे रिश्तेदारों को, सहेलियों को, सबको बता दिया। किसी को भी बताया हो, तुम्हारा भाई अगर चोरी करे फिर किसने मुखबरी करी, बकरा कौन ले गया? ये बात हुई, मेरा भाई तुम्हें नजर आता पतली गर्दन का, उसने कोई चोरी वोरी नहीं की है। की है? नहीं की है उसने। मैं हम बकरा दूंगा, मैं दूंगा। आ जाएगी तो ये भी जाएगी। मैं जुड़वा भी दूंगा। आप समझ क्यों नहीं रहे, आपने मुझे कहा था मुझे बकरा दिलाएंगे, पूरे मोहल्ले में डांट कर दिया, आपने मुझे अभी तक बकरा नहीं दिलाया। दिला दो, हस्ती क्यों हो रही तू? आप मुझे बकरा नहीं दिला रहे। दिला दे, हम खुद बकरे बने हुए तुम्हारे यहाँ। पाकिस्तानी से अच्छा बकरा कोई नहीं, अमेरिका का बकरा लेके क्या करोगी? पाकिस्तानी बकरा रोज काटो, रोज खून, अल्लाह ने दिया वो काटो टिका वो बकरा। देखिए आप ऐसी बातें मत करें, आपने मुझे कहा था ना आप मुझे बकरा दिलाएंगे, सब मुझे देख के क्या सोचते होंगे मैंने अपना बकरा नहीं लिया। बड़ी बुरी बात है। जानू किस किस्म का बकरा चाहिए बताओ? अमेरिकन, चाइनीज ले लो, चाइना के बकरे सस्ते हैं। अल्लाह कसम बड़े अच्छे बकरे, आशा बताया हमारे बकरे तो कटते वक्त ना वो बेहतरीन बकरे कटेगे अच्छा वैसे आप बताए हमें कौन सा बकरा लेना चाहिए? हमें लेना चाहिए जैपनीज बकरा। जैपनीज बकरा? यस, उसमें रेडियो लगा हुआ। कैसे? सीडी है उसके अंदर। सीडी? हाँ, जरूर मैं लेकर आऊंगा, गाय लूंगा तुम्हारे लिए, अफ्रीकन गाय। देखिए आप भूल मत जाइएगा, आप मेरे हर काम भूल जाते हैं। मैं तुम्हें उस दिन घुमाने लेके नहीं गया, तुम्हें वजन वाली मशीन पे नहीं खड़ा किया, अंदर से काट के आया था। मजाक ना करो, चार आदमी उतर जाए। मेरा क्या कसूर है? अब आप मुझे इतना खिलाते पिलाते हैं ताकि मैं खुश रहती हूँ, मेरी सेहत बन जाती है तो मैं क्या करूँ? सेहत को कम कर, दौड़ा कर, दौड़ा कर, भागा कर, बस दौड़ दौड़, किसी दिन दौड़ ही जा। जिंदगी को जरा जरा स्मार्ट लेवल पे लेकर के आओ, वेट कम करो। क्या अच्छा सही है। अच्छा बात सुनिए, मैं घर जा रही हूँ। तो अपने घर जा रही हो ना? हाँ ना। तुम उस दिन भी घर का बनाया घर पहुंचो, तुम यहाँ आ गई थी, वो आप मुझे बोलते नहीं इस घर में, उस घर जाओ। घर भी तो कितने हमारे जी, दो हाउस। मैं तो डरी गई थी। डरती भी तुम, अल्लाह करे तुम किसी डरो भाई। आज आप तो कोई शरारत कर रहे हैं मेरे साथ। आप बता, शरारत का मैं मूड बन रहा है मेरा, मतलब शरारत कर लू आज। जानू आज तुम प्यारी बड़ी लग रही हो। थैंक यू। खुदा ना करता कोई ताबीज वाबीज तो नहीं किया मेरे से? ताबीज करे आपने, आपको दुश्मन मैं क्यों करने लगी? अच्छा बात सुनो, मैं घर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो वो यहाँ से आप मुझे बकरा दिला दीजिएगा। हाँ, तुम्हारी आंखों में बहुत प्यार है आज। आज पहली तारीख तो रही है ना? आई ओके, जान तुम पहुंचो। अच्छा देखिए आप मुझे आज बकरा दिला दीजिएगा यहाँ से। यार हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? हमारा अपना 5 लाख का बकरा अगवा हो गया, कह नहीं रहे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। 5 लाख का बकरा अगवा हो गया? जी हाँ। अच्छा ही हुआ, अल्लाह करे हमारी गाय भी खो जाए। मुझे दिलाएगा तो भाई होगा, आप मुझे बकरा दिला दे, बड़ा हर जानवर।
तुम जाओ तो दुआ मत करो, तुम्हें इंशाल्लाह कल बकरे मौज पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है, जब कहेंगे तो पहुंच जाएगा। अच्छा बात सुने, मैं वो आपकी पसंद की वो साड़ी पहन रही। ठीक है तुम पहन लो, मुझसे आग लगा दो। क्या हो गया आपको? इतनी दफा पहनोगी वो साड़ी, मुझे हिट हो गई है वो। फिर मैं क्या पहनूं? अपने ये शलवार कमीज बेहतरीन लिबास है। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारे में आ गया। ओके बाय बाय। ओके ध्यान से जाना जी। अच्छा, और रिक्शा खुद ना चला के जाना। जी बोल रहा था उसने रिक्शा चला के चली। जी मैं ड्राइवर के पीछे नहीं बैठूंगा जी, पागल औरत। अबे तो फिर रिक्शा की बॉडी पहन के आ गया। ये तो बड़ा सीन पॉइंट हुआ, पता क्या, मैंने पुलिस वालों के सामने छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ा, मैं वापसी में चोरी करके ही आया। नहीं बेटे नहीं, ये बात नहीं है। असल बात मुझे पता है। क्या बताऊंगा? चल बताओ। तुम लोग टेंशन क्या, तुम्हारी बाजी अजाब बन गई। क्यों? बकरा लाओ, बकरा लाओ, कहां से लाओ? मैंने आपकी प्रॉब्लम हल कर दी। तुम लोग को मदद नहीं कर रहे हो मेरी। मैंने कर दिया आपकी प्रॉब्लम हल, मैंने बकरे वालों को बुलवाया। हाँ। किसी भी बकरे को शाहरुख बना के बाजी के सामने पेश कर देंगे, टेंशन खत्म। लेकिन यार बकरे में कोई खास बात हो तो उसे बताएं कि ये 5 लाख का है। लेकिन अब वो आएंगे तो पता चलेगा बकरे वाले। तुम ले आए हो? हाँ, दिल भर आ रहा। एक एक करके जाओ, सबका इंटरव्यू कर लेते। बैठो आप, बैठो। आ गया, लिया। अस्सलाम वालेकुम भैया। ये तो बंगाली है, ये तो मछलियां बेचते हैं। अबे इसको पूछ के खारे पानी का बकरा तो नहीं लिया है भैया? आपका बकरा मीठे पानी का, खारे पानी का? अब बताओ। अच्छा बोलता रहा, आजा इधर आ जाओ। अबे कौन सा बकरा है, बंगला या साची? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम है, क्यों हो रहा है? अल्लाह का करम है भाईजान, हमारे पे क्या रशिया का करम है, हमारे पे भी अल्लाह को करम है। असल में आजकल भाईजान, नकल में आजकल बहन जी, आजकल हम बकरे बेच रहा है। कोई मना कर रहा है तो हमारे को बताओ। ईद उल अजहा आ गया है ना, तो आने दो। तो भाईजान बकरा ईद है तो बकरे तो बेचे ना, तो बेचो, हम मना कर रहा है। सरकार मैं आपको पहचान गया। क्या? आप एक खूबसूरत बंगाली है। देख रहा है क्या बातें कर रहे हैं नीले तो थे? मैं तो फॉरनर हूँ यार। तो भाईजान हम आपको बकरे का क्वालिटी बता रहा है। क्वालिटी बता रहा है कि इंजॉय कर रहा है? क्वालिटी बोलेगा, हम सुन रहे हैं भाईजान। क्वालिटी बकरे का ये है। क्या है? कि हमारा बकरा पानी में जाएगा, डूबेगा नहीं। अच्छा, लकड़ी तो बना हुआ है, लकड़ी का है, लकड़ी को लकड़ी बनाया। नहीं नहीं, लकड़ी का नहीं है भाईजान, उसको तैरना होता है। बकरे को? बकरे को। बकरा तैर रहा है, डूब पे मर जाओ, बकरा तैर रहा है। क्या आपका बकरा नीचे समंदर में जाके मुंह से मछली पकड़ लेता? भाईजान मछली पकड़ता नहीं है, मछली खोता है। मछली खोजता है? कैसा क्वालिटी बता रहा है? मगर और बताओ, अभी मजा नहीं आ रहा है भाईजान। दूसरा क्वालिटी ये है कि आम लोगों का जो बकरा होता है वो पानी पीता है, हमारा बकरा सिगार पीता है। सिगार पी रहा है? चौरसी बकरा है, हम समझ गया, चौरसी बकरा है भाईजान। ये बकरे का क्वालिटी है, आपके पास अगर कोई ऐसा बकरा है तो हमारे को बताओ। हाँ, इसको बस एक बकरा था, वो कुप्पी पीता था भाईजान। कुप्पी लाके कौन देता था? ये लाता था भाईजान। एक और जबरदस्त क्वालिटी है बकरे का। क्यों है? वो क्वालिटी ये है, लेकिन हमारे को डर लग रहा है कि कोई सुन लेगा। अच्छा। तो एक काम करेगा, सर उधर आ जाएगा। ये है ये जगह भी खतरनाक लग रहा है, इधर हो जाएगा भाईजान। क्वालिटी ये है, इधर भी कोई सुन लेगा, एक काम करेगा, सोफे के पीछे आ जाएगा।
एक जगह हमारा नौसूर में भी है, तुम्हारे बाप का कोबर में चलते बैठते हैं। भाई सर नाराज हो गया, चलो बैठ जाएगा, बैठ के बात करेगा, बैठ जाएगा। बैठ जाएगा तो पहले भी तो इसी वेगन में बैठे हुए थे। भाई सर बैठ जाएगा, आप खामोश रहेगा, बहुत सी आदमी बहुत कर रहा है तो बहुत करने दो ना भाई। भाई सर बकरे का क्वालिटी ये है, इतना जबरदस्त क्वालिटी है कि आप हमारे बकरे को खरीदेगा, घर में लाके बांधेगा, वो आपको तंग नहीं करेगा। क्यों वजन किया है, तंग क्यों नहीं करेगा? हमारा बकरा गूंगा है। गूंगा बकरा हम कोटेगा, आवाज भी नहीं निकलेगा और उसी को पता भी नहीं चलेगा बकरा कटा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्वालिटी है ना बकरे का, क्वालिटी होता है, ये तो खराबी है। अच्छा नहीं कर रहा है, बंगाली को मर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है। बंगाली को नहीं मर रहा है, तुमको हमारे के लिए मरना हराम है। चलो अच्छा नहीं कर रहा, देख लेगा, देख लेगा। अरे भाई सुन, देख लेगा। अरे सलाजा चला जा, असली बंगाली जाके अबे ये लाया था, ये मोटा लाया। अबे ओए तेरे से चला तो जाता नहीं है, और तू आदमी बंगाली पकड़ लिया। मेरा कसूर है बकरा, उसका बकरा तो ले लिया। क्या बकरा? चखा तूने? चखा देखेगा तो पकेंगे। मोटो टुल्ले राणा मोटो टुल टुल्ले से कड़वा मड़ गए। अरे बाबा सलाम बाबा जो हमारे मर गए उन तक भी पहुंच गया। खुदा की कसम वाले मजा आ जाएगा, बकरा इसी को बेचेगा। जबरदस्त जबरदस्त बाबा, हमारा बकरा बड़ा जबरदस्त क्वालिटी वाला। हमारा गोद में बैठेगा क्या तुम? ये उधर करो, ये खपच्चिया उधर करो, अभी बात करो क्या है। भाई हमारा बकरा बड़ा जबरदस्त है। साई क्या हम तुमको पागल लगता है? साई बोलता है नहीं, इज्जत दे रहे तो दे ओ? तो भाई तो दे रहा है। हाँ बताओ। हमारा बकरा ऐसा जबरदस्त है। हमारा बकरा नहीं है, गोश्त का बकरा है। नहीं बकरा बड़ा जबरदस्त है, अल्लाह की कसम। झूठा, कसम क्यों खाता है तू? अरे बाबा ये क्या कंडोला यार, का है क्या? और तुम किधर का रे? मीरपुर माथे लो जगरो गोर गोट जय इब्राहिम गोट जय मड़वा क्या तू? अरे गोठानी है, गोठानी। तू बाबा कौन है? संजाली है, राजस्थानी है, ये मकरानी है। मकरानी है। एक बात बताओ, लोग बकरों की जोड़ी खरीदते हैं, गाय की खरीदते हैं, तुमने दम्बा और बकरी की कुर्बानी करेगा? ये क्या जोड़ी खरीदी है? दम्बा और बकरी खरीद ली है, कुत्ता अभी अभी आया है। क्यों अब्बा फौत हो गया क्या? बकवास करने का अपना दिमाग में हम उसको रोका है, तो जवाब देगा क्या फायदा है? समझाऊंगा इसको, उल्टा सीधा जवाब नहीं करो। देखो ना ये भी मुसलमानों के बीच में बोल रहा है, आराम से बैठो। एक बात बताओ, हाँ ये मूछे रखी हुई है या नाक के बाल बड़े हो गए हैं? दबा करो साई, हम बता रहे थे हमारे बकरा बड़ा जबरदस्त है। जिद्दारे। क्या है? जिद्दार। जिद्दार है, कोई उसकी बहन को उठावे तो बचा लेता है क्या? काय का जिद्दार है बाबा, बम बांध लेता है। क्या है? चाकू माकू खाया है उसने, कैसा जिद्दार है? जिद्दार ऐसा है मुंह पे गालियां देता है। ए, उससे जिद्दार तो तुम है जो सुनता है।
कौवा उड़ेगा। तुम्हारे कौवे और शेर की पहचान ही नहीं है। स्वयं बकरा बेचने आया है क्या, हमको हंसाने आया है? पर प्रोग्राम क्या है? सही मैं तो बता रहा हूँ, मैं बीच बीच में आता था। बीच में नहीं आया। ठीक है हाँ, बता रहा हमारा बकरा बड़ा जबरदस्त है, खुदा की कसम गाने गाता है। अरे बाबा महाराज ये क्या भाई गाने गाता है? अल्ले अल्ले मुंजा माड़ू वाला। यह सही नहीं है गाना। अच्छा हम सुना था तुमको गाना, हम सुना है खुद ये बकरे का जिसका तुम बात कर रहे हो। ये दो दफा आकाशवाणी के प्रोग्राम में भी आया है, इसने गाया है अले ले मुझे मार वाले मार वाले ले ले। अभी हम समझ गया वो सीखने किधर जाता था। बराबर बकरियों बकरियों को नहीं सिखाते तुम लोग? हमारी सारी बकरियां गूंगी है। दबा करो। आज देखो ये एल्बम लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। हम लोगों के लिए ये सही। माफ करना हमारी अम्मा की शादी की तस्वीर आ रही है। बहुत अच्छे वीडियो कैसेट भी लिया था, चारों मिलके देख लेते। हाँ जरा एक दिलचस्प माहौल बन गया था। अरे दबा करो, अम्मा की तस्वीर है, तुम मजाक उड़ा रहा है। तुम बच गया क्या? अभी सौदा हो जाता। अब तो यही समझे नहीं, बकराइन बकराइन। नहीं बाबा, हमारे खानदान में सब बकरे ही बकरे, कोई बकरी है ही नहीं। कोई बकरी नहीं है? नहीं, सब बकरे ही बकरा। ये बकरा भी बकरे से? यो जवाब जब टेक्निकल बात है। लाजाने किधर फंस गया हो? एक बात बताओ, असल कहानी तो अब शुरू होगी। देखो अगर मैं टूट जाती फिर। नहीं हम बता रहा, सबसे बड़ी क्वालिटी। हाँ बाबा बोलो। हमारा बकरा जो है ना, तुम खरीद ले, लेकिन इससे छुपाना। क्यों? बगैर तो को देख के चीखता है। तो तुम्हारे को देख के तो चुप ही नहीं रहता होगा। कोई बात नहीं, एक बात बता दे, हमारा बकरा जो है ना बड़ा थुला है, मोटा है, जबरदस्त 80 किलो। खुदा की कसम एक क्वालिटी है, क्या उसको काटेंगे ना गोश्त ही नहीं है। गोश्त नहीं ऐसा अंदर क्या लिहाफ भरा हुआ है? बकरे में लिहाफ है क्या? गदा मदा डाला हुआ है? आदमी मादमी सोते है क्या अंदर? गोश्त किधर है? ग्रेजी डी हो गई ना। आवा? हम गया था ठगा, उधर बांध के सो गया। हाँ? कोई चोर आया गोश्त निकाल के ले गया। क्या गोश्त तो बकरे के फ्रिज में रखा हुआ था? पता नहीं कैसे चोरी हुआ बाबा। बस ठीक है, आप काटो, खुदा की कसम गोश्त है ही नहीं, खून ही खून, गोश्त बांटने का परवाह भी नहीं है। सीएम बाबा बकरा लेगा लेकिन हमारे पास पैसा ही नहीं है। चलो शाबा, चलो लेने वाला करो। चलो बाबा देख लो। चलो बाबा देख लिया। चलो उसने भी मांगा। अरे हल्ले करने वाला यार, हल्ले एक बात सुनो साईं। हाँ। तुम लोग बहुत बर्दाश्त वाला आदमी है, जिसके साथ रहता है। अरे जाओ लेते ही नहीं हम बकरा। बताओ खाली बकरा ले आए, हम लोग क्या पानी भर के वाटर बॉल खेलेंगे? इधर लाए इधर। यार मेरा तो सारा टाइम खराब कर दिया खुदा की कसम। अबे तू हर बकरे पे यही करता है? लाओ कौन है यार? चाहिए भाई मुझे तो बंदर चाहिए। वो तो घर में घूम रहा। जोड़ी चाहिए, ये उदास हो जाता है। समझ नहीं आ रहा भाई? हाँ भाई
बकरा ले भाई, ये मेरे कने जो बकरा है। किसके कने? मेरे कने। क्या करने? कसम परवरदिगार की, क्या बकरा। तब बता के नाराज क्यों हो गया तू? बकरा मुंह पे बता यार, क्या बात है? समझ नहीं गया भैया। समझ नहीं गया? बकरे की क्वालिटी बताने लगा हूँ। बताओ ना भाई। बकरा? हाँ। हाय हाय हाय। अबे क्या बकरा है बता तो सही, क्या बकरा है तू? कौन सा बकरा है तू? क्या बकरा है? लो बकरे की खुशियत भी आने लगा। लो भाई लो भाई, दो भाई दो। क्या दो? तू बोले ना लो भाई। भाई मिसाल दे रहा हूँ। लो भाई बकरे की खुशियत गिनना शुरू कर दे भाई। क्या शुरू करो? कितनी उंगलियां हाथ की? 10 है भाईजान। रहने दे, कम पड़ जाएंगे। छंगे को बुला ले। छंगे को? ये कौन है? लिया छंगा, उसकी 11 उंगलियां है। जास्ती हो जाएगी मुझे लग रहा है। तो मैं बता रहा हूँ बकरे की खुसूसियत। कब बताएगा? वही बता रहा हूँ। बकरा जो है, मुझे पैर सोफे पे रख रहा है। सोफे में जूती रख रही है? इसमें हम बैठते तो जूतियां रख रहा है। या बड़ी बात है भाई, परवरदिगार की कसम बड़ी बात है। ले भाई बकरे का जिक्र हो रहा। अरे कल की बात है। बासी बातें सुना रहे हैं मैं तुम? कल की सुना रहे हैं? कल की? आज की सुना बता दा। अरे भैया कल की होगी तो कल की बताऊंगा नी। हाँ। ना भाई सिद्दीक के लंबे को जो टक्कर मारी है मैंने। किनने? और मेरे बकरे ने। किसके लंबे के? सिद्दीक के। सिद्दीक के लंबा।
सिद्दीक तो मैं बता रहा था कि सिद्दीक तो बकरे की क्वालिटी ले भाई मेरे बकरे की जो खसूसियत है और कसम परवरदिगार की दहशत गर्दी के खिलाफ जहाद कर रहे हो नहीं यार कैसे कैसे लो भाई कोई चोर आ जाए कोई डाकू आ जाए दरवाजा खोल दे अरे भाई बतला रहा हूँ उसकी क्वालिटी बतला रहा हूँ कोई चोर कोई डाकू आ तो जाए भौंक देगा अबे बकरा भौंक देगा भौंक देगा और तो और ये कबूतर छोड़ा डाक ये गोली मारी ये कबूतर नीचे गिरने से पहले मुंह से पकड़ लेगा अबे तू बता बकरे कर आदत है सारी कुत्तों जैसी समझ नहीं रहा भाई है बकरा ही उसका उठना बैठना दरअसल कुत्तों में रहा तुम लोगों में बैठता रहा भाई उठ दे उठ 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 नहीं भाई हाँ भाई बोल अल्लाह की नमाज़ पर इज्जत हो गई छोड़ गया भाई तो बाहर छोड़ गया चलो चलो बाहर निकल कोई बकरा वगैरह नहीं दिला बचने के बाद चाहे आदमी लकड़ी पे तेज होती नहीं है चल हपा दिया भाई इनने हपा दिया कुरान की कसम भाई मैं कह रहा हूँ हमें कम मिलेगा बकरा जो हम चाह रहे हमारी मंशा का बकरा कब मिलेगा मंशा का देखो बात सुनो देखो यार मेरी बात सुनो जब तलक बकरा नहीं मिलेगा बेगम का माइंड सेट नहीं होगा बता रहे हो कौन आया कौन बता रहे इस तरह तो बकरे मिलना मुश्किल हो जाएगा बता दूं बकरे मिलना मुश्किल हो जाएंगे इस तरह जिस तरह वो आया कैमरे वाला वो जो रोता रहता नहीं है मनुष्य उस्ताद एक बात सुनो इस वक्त हाथ भी मेरा रवा हो रहा है आदमी रमा है तुम लोग भी टेम्पो में हो इसे बुला लो उस्ताद और ऐसे ऐसे दर्दनाक वाकया सुनाओ जिसमें वो फूट फूट के रोए वो वाकया जरूर सुनाएंगे तेरी वालदा को तलाक हुई थी ना हुई थी ना जो हकीकत है यार बोलो उसमें क्या शर्म नहीं है यार वो तो घर से भागी है यार राहुल मुलाकात बहरहाल जो भी है उसके अंदर सारे वाकया और उस्ताद उसके बाद तू कर देना बत्ती बंद ठीक है लेकिन अपने अपने आड़ी पे छान लेना ये ना हो कम वक्त तो मुझे कूट दो सारे मिल गए आज मैं सबके हाथ पे छानता हूँ खुदाई का हाँ दूर दूर रह गए सर उसी को टिका टिका कर ठीक है जाग बुला ले बुला ले दर्दनाक किससे दर्दनाक किससे ठीक है अरे मरूम पैदा होने से पहले मर गया बहुत प्यारे इंसान थे अल्लाह आग आग में तंदूर में सेक दिया जालिमों ने भाई तंदूर में सेक दिया ये लग रहा कहीं से ठंडा हो गया है पहले भड़क नहीं दिया कल की बात है भाई आया मेरे अब्बा को कुत्ते ने काटा कुत्ता मर गया समझदार था गैरत वाला था भाई गैरत वाला था अरे बकरे के टुकड़े करे कंबख्तों ने मेरी शाला का बेटा नौजवान 18 साल का अरे बस कर दे जाले 8 बजे सुबह उठा नाश्ता किया अरे अल्लाह ठीक 10 बजे फिर मांग लिया अब कहाँ से लाएंगे डबल लाश्ते मांगने वाले भाई रो भी नहीं रहा हाथ में खुजली हो रही है माइंड बनाओ क्या हो गया तुम्हारी याददाश्त चली गई क्या शाहरुख मैंने उसका फेफड़ा निकाला ओए डैन के बच्चे फेफड़ा निकाल के मैंने फुलाया हाथ से निकल गया फूल पहचानो भाई हम वो लोग हैं हुआ क्या रे जालिमों
लाजे लाजे भाई जान, सूखे सूखे ना जाओ। अरे फलस्तीन के अंदर लाजे लाजे, अरे इराक में लाजे लाजे, हम बाहर लगे हुए भाई, फोटो देखो तो पता चले क्या जुलूम किया मुसलमानों पे। अरे बुला भाई, खुदा के लिए कुछ देखो, आए हो इतना यार, इतना भी क्या है यार, हमें खिदमत का मौका दो यार। अबे इसका जहन बनाओ भाई, कुरान की कदम ये निकल गया ना, बहुत पछताएगा जहन बनाओ भाई इसका। कुछ तो बोलो भाई, मेरा हाथ है 1,000 भी नहीं चला। तेरी बड़ी मेहरबानी, अंगूठिया वाला हाथ है भाई साहब। भाई साहब, भाई साहब, वो गाना गाओ, मिलके वो गाना गाओ। मेरी किस्मत में तू नहीं शान, क्यों तेरा इंतजार कर दूं। थोड़ा सा रो देता ना, मेरा भी हाथ खराब हो जाता। पता नहीं हो रहा यार। हेलो हेलो, अगर तुम 10 मिनट में 5,00,000 रुपए लेके नहीं आए तो मैं बकरे को बम से उड़ा दूंगा। मत करना, मत करो ये बात, हम पैसे लेके आ रहे हैं। आवाज बैठ गई खौफ से, मैं ला रहा हूँ पैसे, मैं बहुत मांगेगा मत उसे, हम ला रहे हैं पैसे। कौन है? 5,00,000 रुपए लेके पहुँचना। बेहतरीन फैशन डिजाइनर, ठीक है, है ना। अब ये बताओ बकरे के गोश्त की तकसीम कैसे की? तकसीम के मुताबिक तकसीम कैसे हो, आप बताइए। मैं बताती हूँ, पहले बाहर किया जाए, पहले पैसेंजरों को दे, उसके बाद मेहमानों को दे, और इस तरह सबको तकसीम हो जाएगा। आप बताइए, मेरे ख्याल से गोश्त की सियासत करना चाहिए, तकसीम के आसानी से जाए और एड्रेस पे भी पहुँच जाए। तो सबसे पहले तुम में तकसीम करें हम। एक तरीका भाई, मेरे पास तरीका, गोश्त की बोटियां लो, सीटी में भरो, 10 खाला के घर जाइयो। नहीं भाई नहीं, प्रोफेसर एक काम करते हैं, इससे पहले इनसे आप बताएं कुछ। जी भाई साहब, हम तो कह रहे हैं कि बकरे का कुर्बान। ये थे बंगाली भाई। मैं बताती हूँ भाई, छोड़ो मसला हल करती हूँ मैं। पता है प्रोफेसर क्या करते हैं, बकरे की बोटियां करते, उनको ब्यूटी पार्लर्स में भेजते, उनका अलग अलग मेकअप करवाते और फिर तकसीम करते। बहुत अच्छे भाई बेगम, बहुत आला, डूब के मर जाओ। क्या बदतमीज और बेहुदा ख्याल आते तुम्हारे। अरे 5,00,000 का 10,00,000 का बकरा तुम्हारे शौक के लिए ले लिया, 5,00,000 उसको बाजियाब कराने के लिए दे दिए, सिर्फ इसलिए कि चलो तुम्हारा शौक है कि महंगा बकरा आएगा। तुमने उसे अखबार की जीनत बना दिया, टीवी पे आ गया, पूरे दुनिया को पता चल गया कि एक बकरा है जो इतना महंगा है।
और तुम शो पे शो शो पे शो, और अब तुम उसकी कुर्बानी की तस्दीक कर रही हो, बेइज्जती कर रही हो। खलीलुल्लाह की कुर्बानी है अल्लाह की राह में, और तुम किस किस्म के बेहुदा बन चुके हो। अल्लाह हमें पैसा देता है तो हम आखिरकार इखलाक क्यों भूल जाते हैं, तकाजे माशरे के क्यों भूल जाते हैं। तुम्हें अल्लाह ने पैसा दिया है, तुम सब बातें भूल गई। अरे कुर्बानी तो मेरे रब के लिए, रब के लिए। अल्लाह के पास क्या जाता है? ये गोश्त नहीं जाता, ना अल्लाह के पास ये बोटियां जाती है, ना गुर्दे कलेजी जाते हैं। अल्लाह के पास जाती है नियत, और वो नियत अगर तुम जमीन पर ही खराब कर दोगे तो जाएगा क्या? सबसे बेहतरीन बात यह कि आदमी 2,000 का, 3,000 का, 5,000 का बकरा कुर्बान करे, नियत साफ हो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर उसकी राह में उसके हबीब के हुजूर में इसे पेश करे, तब कुर्बानी हो। हमने कुर्बानी को मजाक बना लिया? नहीं नहीं नहीं, I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। आइंदा मैं जब भी कुर्बानी करूंगी सिर्फ अल्लाह की खुशनौदी के लिए करूंगी, अपनी शोहरत के लिए नहीं। बल्कि जो भी सुन रहा है वो भी सुने, पूरे पाकिस्तान में ये आवाज बनाओ कि कुर्बानी को नुमाइश मत बनाओ, क्यों अपना सवाब अपनी नेकियां खराब करते हो, इसे जज्बा बनाओ, जज्बा। राइट, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, मैं भी इसी तरह कुर्बानी करूंगी, और मैं इसके साथ सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग इस ड्रामे को देखने के लिए तशरीफ लाए, आपने इसे देखा, आपने इसे पसंद किया, आपको कितना पसंद आया ये आपके हाथ बता सकते हैं।